अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, खैरियत से हैं जी शहजाद शहबाज ठीक ठाक, आप सुनाइए ठीक हैं? जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, 3 4 5 6 लोग हो गए, राइट। आशिर, आयशा, नीला, उमर, शहबाज, ताहा, 6 लोग हैं तो। वीकेंड के बाद पहला वर्किंग डे होता है सर, और थोड़ा सा लोगों के लिए टफ होता है। तो पहले वर्किंग डे पे तो लोग ज्यादा मजबूत होते हैं, पहला पहला दिन होता है, काम भी सख्त होता है पहले दिन। चलें जी, शुरू करें फिर। जी पांच एक बोल। मिनट सर, पांच एक मिनट सर रुक जाए मेरे ख्याल में, अच्छा चलें आगे रुक कुछ और जाए, साथी आ रहे हैं। राइट। सर अभी हमारे कितने लेक्चर्स ओवरऑल सर बाकी हैं? नॉलेज एरिया तो तीन मेरे ख्याल में अभी हमारे पेंडिंग है, कम्युनिकेशन, स्टेक होल्डर और प्रोक्योरमेंट। सर ये 2 लेक्चर आपके, ये आज आज और कल हो जाएंगे। एक लेक्चर उसका है प्रोक्योरमेंट का, फिर 2 लेक्चर उसके हैं माइक्रोसॉफ्ट और प्राइमावेरा के, 2 3 3 लेक्चर हैं। उसके बाद 4 अगस्त को पेपर वगैरह। स्टेक हाँ होल्डर मैनेजमेंट सर, स्टेक होल्डर मैं कल कराऊंगा ना कल कराएंगे। ठीक है जी। ठीक है ठीक है। तो जो हमारा एग्जाम है सर, वो फिर आफ्टर ईद अनाउंस हो जाएगा। जी नहीं, वो 4 अगस्त को है ना एग्जाम आपका। 4 अगस्त, जाम ओके। अच्छा, तो उसका सर कोई क्राइटेरिया को थोड़ा सा उस पर गाइड कर दें थोड़ा सा बस वही, जैसे पीएमपी के क्वेश्चन होते हैं उसी तरह के क्वेश्चन होंगे, सर। ऑब्जेक्टिव टाइप। और वैसे तो हमने 80% रखा है, लेकिन रिलैक्स कर देंगे उसको थोड़ा, क्योंकि मुझे पता है 80% कोई भी नहीं ले सकता, सर तो कम करेंगे उसे। जी ठीक। और आपका काम कैसा जा रहा है? कुछ आपको बड़े कोई सर अवार्ड अलहम्दुलिल्लाह शवार्ड सर, मिला है, कोई सर्टिफिकेट मिले हैं आपको? जी सर वो मॉल की ओपनिंग हुई है ना, तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर वो एक इवेंट हुआ था हमारा, उसमें जो टीम थी उसको कुछ सर्टिफिकेट्स, अप्रिसिएशन और कुछ इस तरह से मैनेजमेंट ने किया। वेरी नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा तो अब ये प्रोजेक्ट हो गया, अगला कौन सा है आपका प्रोजेक्ट? सर प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह कोई 4 5 एक्टिव हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं सारे। अच्छा वंडरफुल वंडरफुल, भाई ये तो आपने बड़ा कमाल का काम किया है, बड़ा जबरदस्त है। आई होप आपने सारी पिक्चर्स जो हैं वो देखी होंगी इसकी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, देखी है मैंने, बड़ा मतलब जो उसका क्वालिटी का स्टैंडर्ड ठीक है, फर्स्ट क्लास है, जितना होना चाहिए उसी तरह है। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, बस कोशिश की है कि इसको जितना बेहतर तरीके से हम कर सकें, ताकि वो एक अच्छा मार्केट में जो है वो जेस्चर जाए, और हमारी मैनेजमेंट भी बड़ी कमिटेड है इसको अच्छे तरीके से करने में और रेपुटेशन जो है उसको गेन करने में। सर जी इन्होंने नहीं आना ना, उन्होंने नहीं आना, यही है 6 लोग, वो एक आमना आ गई। कौन आ गया? आमना नवाज आ गई। तीन चार पांच छह बिल्कुल सर,
करा ओके जी, मेरा ख्याल है लेट अस स्टार्ट, इतने लोग काफी हैं, स्टार्ट करने के लिए काफी हैं। अच्छा जी, अभी आप लोग सुनाए क्या हाल चाल है आपका, क्या कैसा टाइम गुजरा? और अभी चूंकि खत्म होने वाला कोर्स, ये वो कोर्स था जो कभी खत्म नहीं होने वाला था और अब खत्म होने वाला है, तो मतलब कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? जी जी अर्शद साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह सर, सर फीलिंग अ सेटिस्फेक्शन एंड आई थिंक सर वी आर मच मोर अवेयर एंड लिटिल एजुकेटेड देन बिफोर सर। जब शुरू किया था उस वक्त तो पता ही नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो शायद नाम तो सुनते रहते थे लेकिन ये बिल्कुल पता नहीं था कि क्या चीज है। This time we have gained some knowledge, inshallah this is a beginning and we shall move forward with a positive thing in that, inshallah. जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या जी और कोई? जी सर, इसमें मेरी इनपुट ये है कि चूंकि ऑनलाइन सेशंस कभी भी अटेंड नहीं किए थे पहले, तो ये एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और वो जो एक डर था कि पता नहीं चीजें किस तरह से क्लियर होंगी, वो बड़ा प्लेजेंट एक्सपीरियंस हुआ। और ये दिल करता है कि अगर ऑनलाइन भी सेशंस हो तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, वो इजिली उसको स्किम थ्रू किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ऐसी वो मिथ बना हुआ था, अब मजबूरी है तो चलता है ना, सब कुछ चलता है, लोगों के ऑफिस ऑफिस चल रहे हैं इसके ऊपर, तो बिल्कुल सही सर। अच्छा जी, मेरा ख्याल शुरू करते हैं। आज हमारा जो नॉलेज है, नॉलेज एरिया है, वो है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन आज करेंगे और स्टेक होल्डर कल करेंगे, दोनों काफी सिमिलर हैं एक दूसरे के साथ, और बहुत ज्यादा आपको इसमें डिफरेंस नजर नहीं आएगा, एक्सेप्ट फॉर तो थोड़ी सी अप्रोच का फर्क होता है कम्युनिकेशन में और स्टेक होल्डर में, वरना कम्युनिकेशन स्टेक होल्डर्स ही के दरमियान तो होती है। और स्टेक होल्डर इसलिए कह रहा हूँ कि स्टेक होल्डर में आपके वो अपने टीम मेंबर्स भी तो स्टेक होल्डर है ना, तो स्टेक होल्डर्स ही के दरमियान कम्युनिकेशन होती है, और कम्युनिकेशन थोड़ा सा हम हार्डकोर तरीके से देखते हैं और स्टेक होल्डर को फिर हम एज अ ह्यूमन या इंडिविजुअल तरीके के साथ देखते हैं। बट एनीवेज, दोनों के प्रोसेस थोड़े थोड़े डिफरेंट है, वो हम उनको डिस्कस करेंगे। ये जो दो क्लासेस हैं हमारी आज और कल की, ये आज जैसे मैंने कहा कम्युनिकेशन और कल स्टेक होल्डर हम कवर कर लेंगे। अगले हफ्ते, आई डोंट नो क्या डेट बन रही है, अगले हफ्ते मंडे को गालिबन आपका प्रोक्योरमेंट की क्लास होगी खुर्रम गौरी से, ट्यूसडे को एमएस प्रोजेक्ट की क्लास होगी वसीम से, और उससे अगले हफ्ते गालिबन 3rd of August होगा, और उसमें प्रेमवीरा की क्लास होगी वसीम से, और 4th August को आपका पेपर होगा फाइनल। तो तकरीबन देख लेते हैं, वो मैं भी पेपर बनाना है, मैंने मेरा ख्याल है कि 150 क्वेश्चन होंगे आपके, 150 क्वेश्चन होंगे, और आपके पास 3 घंटे होंगे, पूरे 3 घंटे बैठ के आप तसल्ली के साथ एग्जाम करें, 3 घंटे में आप सबमिट करेंगे, और उसके बाद आपका स्कोर जो है वो, वैसे तो हमने 80 रखा हुआ है पास स्कोर, लेकिन हम उसको थोड़ा बहुत रिलैक्स कर देंगे, मैं उससे डिस्कस कर लेता हूँ पीडीसी से कि 80% जरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, कई गलतियाँ हो जाती हैं बंदे से, तो एनीवेज, मगर ये कि वो इतना बड़ा इशू नहीं है, ज़्यादा बड़ा इशू ये है कि अटेंडेंस की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे नहीं मौजूद होते और आ भी नहीं रहे नेचुरली, वो हमारे पास तो रिकॉर्ड है सारे का सारा, फॉर्म कितनी देर आया, क्या हुआ, तो उसमें फिर कुछ लोग शायद इसमें से रिजेक्ट हो जाएंगे क्लास में से कि उन्होंने अटेंडेंस पूरी नहीं दी हुई है। खैर एनीवेज, वो भी फैसला नेक्स्ट पीडीसी ही के हाथ में छोड़ते हैं और हम कंसंट्रेट करते हैं अपने काम के ऊपर। तो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में जनाब, आप लोगों को जैसे अंदाजा है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भले एक डिसिप्लिन है, लेकिन इट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, मतलब कोई भी डिसिप्लिन ले लें फॉर दैट मैटर, सारी गेम जो है वो कम्युनिकेशन की है, कि आप अपना मैसेज पुट थ्रू कैसे करते हैं, और
फिर सबसे बड़ी बात है कि वो पुट थ्रू तो आप बाद में करेंगे, पहली जो बात ये है कि आपने कब कहां क्यों और कैसे किसी से कम्युनिकेट करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब यहां देखिएगा कि ये डेफिनेशन कितनी मजेदार इसमें दी हुई है। वो कहता है जी प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट इंक्लूड्स द प्रोसेसेस दैट आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर टाइमली एंड अप्रोप्रिएट नंबर वन प्लानिंग, टू कलेक्शन, क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, रिट्रीवल, मैनेजमेंट, कंट्रोल, मॉनिटरिंग एंड द अल्टीमेट डिस्पोजिशन। अब आप जरा गौर कीजिए, ये 10 चीजें हैं। मतलब कम्युनिकेशन को प्लान किया जा रहा है कि कौन, ये सारे काम जो आगे आपको नजर आ रहे हैं, कलेक्शन, क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सारा ऑल ऑफ दिस हाउ विल दैट हैपन, ये आपने प्लान किया। उसके बाद जहां जहां से कम्युनिकेशन ने जब जब जनरेट होना है, यू हैव टू मेक एन अरेंजमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। देन यू ऑल्सो हैव टू इंश्योर द इंफॉर्मेशन, वो जो कम्युनिकेशन जिसने अक्कर करना है, वो कम्युनिकेशन क्रिएट भी होती है। कलेक्शन का इंतजाम करना है, क्रिएशन का इंतजाम करना है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का बंदोबस्त करना है, उसको कहीं स्टोर करने का बंदोबस्त करना है, और फिर किसको एक्सेस होगी उस इंफॉर्मेशन तक, रिट्रीवल कौन कर सकता है उस स्टोरेज से, लाजमी बात है कि कोई कंट्रोल तरीका होगा, हर कोई तो एक्सेस नहीं कर सकता। फिर उस इंफॉर्मेशन को मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, मैनेज कंट्रोल और मॉनिटरिंग के अंदर फिर वो चीजें आ जाएंगी कि कम्युनिकेशन कहीं गलत तो नहीं हो रही। पहले तो आपने उसको मॉनिटर किया और आपने देखा कि कम्युनिकेशन हो भी रही है कि नहीं हो रही। फिर कंट्रोल में हम देखते हैं कि वो जो कम्युनिकेशन हुई है उसमें क्या नहीं हुआ, क्या कमी रह गई, क्या जाती रह गई, और उससे फिर हम दो स्टेप्स कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि हम उसको, उस प्लान को अमेंड करें, या उसको जहां पे भी गलती हुई है उसको दूर करके और अल्टीमेटली अपडेट करें प्लान को। और दूसरी तरफ से एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, अच्छा जी आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, तो मॉनिटरिंग में हम ये देख रहे हैं कि कौन सी कम्युनिकेशन सही हुई, कौन सी नहीं हुई। एक तो उसकी करेक्शन अप्लाई की, और दूसरा हमने उसके लेसन्स लर्न्ड भी नोट कर लिए कि आइंदा जब इस किस्म की कोई सिचुएशन होगी तो वहां हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये जो कुछ भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं और जो रिकॉर्ड हमने मेंटेन किया है, जो स्टोरेज में रखा है, ये कब तक स्टोरेज में पड़ा रह सकता है। आप में से अक्सर लोगों को इस बात का अंदाजा होगा कि जो कम्युनिकेशन है या कोई भी डॉक्यूमेंट फॉर दैट मैटर, उसकी एक लाइफ होती है, और वो आपका ऑफिस या आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि किसी भी डॉक्यूमेंट की क्या लाइफ होगी, और उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ करने का फैसला किया जाता है। बाकायदा एक बोर्ड बैठता है और वो डिसाइड करता है कि ये इसके से कि 3 साल की लाइफ थी, 3 साल की लाइफ गुजर गई है इस डॉक्यूमेंट को, और या डेटाबेस के अंदर भी, फालतू में तो हम डेटाबेस का पेट नहीं भरते रहेंगे ना, डेटाबेस में भी चीजें डिलीट करनी होती हैं विच आर नो मोर यूजफुल। तो फिर एक बोर्ड बैठेगा और वो ये डिसाइड करेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स या डेटाबेसेस या जो भी कुछ है वो अब नो मोर रिक्वायर्ड है। और अगर तो आप ये समझते हैं कि कोई काम की चीज नहीं बची है तो आप उसको तल्फ कर देते हैं, और अगर आप ये समझते हैं कि नहीं अभी इस चीज में कुछ जान है और इसमें से कोई हम फायदा निकालना चाहते हैं, तो उस सूरत में हम उसको उसको एक्सटेंड कर देते हैं।
इस तरीके के साथ ये सिलसिला चलता है। और लाजमी बात है कि यही काम जो है, आप जैसे मैंने कहा कि आप अपने ऑफिस में कोई ना कोई तरीकाकार ऐसा जरूर होगा कि किस वक्त तक एक इंफॉर्मेशन जो है वो वैलिड रहती है। एक यहां मैं बात आपसे करता चलूं कि जिस वक्त आप कोई डॉक्यूमेंट तलब करते हैं तो एक बात तो ये है कि आप इस बात को अश्योर करते हैं कि अब इसकी जरूरत नहीं रही। सवाल ये पैदा होता है कि अगर उस डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं रही, और फ्यूचर में कहीं हमने ट्रेंड वगैरह देखना हुआ, फिर क्या करेंगे जी? इस सिलसिले में कोई मुझे इनपुट देंगे? इस डाटे की तो इंफॉर्मेशन नहीं रही, जरूरत नहीं रही। मैं आपको मिसाल देता हूं, मिसाल के तौर पे एक कोर्स चल रहा है, उसकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड है, दैट अटेंडेंस रिकॉर्ड इज गुड एनफ फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास, राइट? मतलब कौन आया कौन नहीं आया, किसको क्लास में एंटरटेन करना है किसको नहीं करना, वगैरह वगैरह। कोर्स खत्म हो गया, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अब मुझे ये बताइए इस रिकॉर्ड को, अटेंडेंस के रिकॉर्ड को इसका क्या काम है? अगर देखा जाए तो कोर्स के खत्म होने के फौरन बाद अटेंडेंस इज नो मोर, सर्टिफिकेट इशू कर दिया तो कहानी खत्म हो गई। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा मैं ये बात मान लेता हूं कि कोई चैलेंज कर देगा, कोई रिकॉर्ड पूछ लेगा, कोई कहेगा कि नहीं इसकी अटेंडेंस पूरी थी, इसकी कम थी, तो उसके लिए आप कितना अर्सा रखना चाहते हैं? 3 महीने रखना चाहते हैं? साल रखना चाहते हैं? साल के बाद तो कोई मेरा ख्याल चैलेंज भी नहीं करेगा। तो मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो ये जो अटेंडेंस का रिकॉर्ड है इसकी अफादियत खत्म होगी। और किस किस इस्तेमाल में ये आ सकता था? जीता ये अटेंडेंस का रिकॉर्ड और किस काम आ सकता था? जीता तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा आमना, आपका ये है कि आपने मैसेज लिखा है कि आप लेट ज्वाइन किए, तो लेट आपने कहा, थोड़ा सा तो लेट ज्वाइन किया, कुछ ज्यादा लेट तो नहीं ज्वाइन किया? देयर इज नो प्रॉब्लम, आप को पता है कि 80% ऑफ आपका टाइम होना चाहिए, तो वो हो जाएगा, तो कोई मसला नहीं है। अदरवाइज आपका टोटल अटेंडेंस में भी 80% होनी चाहिए, तो बस वो अगर आपकी पहले ठीक है तो इट्स ओके। फॉर ऑडिट परपजेस था, एक ता ने कहा, राइट था, आपने कहा था ऑडिट परपजेस के लिए, ठीक है, किसी हद तक आपकी ये भी बात ठीक है। और आपको पता होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट ईयरली होता है या कोई कैसे होता है, 2 साल 3 साल बाद होता है, क्या सब फर्ज करें? अगर ईयरली होता है तो फिर वो 1 साल बाद फिर वो उसकी जरूरत तो ना रही। और कोई रीजन बता सकेंगे एनीवन एल्स? ये अटेंडेंस का रिकॉर्ड किस काम आता है और इसको कितना अर्सा कीप करना चाहिए? अभी मैंने जो आर्गुमेंट दिया है उसमें पहला आर्गुमेंट था कि अटेंडेंस सर्टिफिकेट इशू होने के बाद तो इसका काम नहीं रहा, फिर आपने ये कहा कि इसका ऑडिट करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है हमने 1 साल के लिए रख लिया। और कोई रीजन हो इस डाटे से और क्या निकालना है आपके ख्याल में? इस डाटे को जो क्लास की अटेंडेंस का डाटा है ये किस काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? जी प्लीज पार्टिसिपेट करें, बताएं मुझे जी। वकास साहब, वकास साहब, शहबाज और रशीद, मैं आता हूं आपकी तरफ। वकास साहब सर बोलिएगा, माइक ऑन कीजिएगा। सर मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सर, वो मैं कह रहा था ग्रेस मार्क्स देने के लिए। सर ना ग्रेस मार्क आपने 1.5 साल बाद देने? साल गुजर गया, साल मैंने, साल हो गया, आप इस डाटे को क्या करना है? अगर कहीं आगे स्टूडेंट किसी जगह फंस जाता है या कोई ऐसा उसको मसला होता है या फॉर एग्जांपल कोई जॉब पे ऐसा है, उसका पुराना रिकॉर्ड थोड़ा सा आप देख के कह सकते हैं कि हैबिचुअल नहीं है या कोई लीनियंसी करनी है या कोई फैसिलिटेशन उसको करनी है, तो
उसमें इससे आप उसको अगर फेवर करना चाहें तो कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि वो अपनी डिग्री लेके चला गया हुआ है, कहानी खत्म हो गई, आप उसका रिकॉर्ड क्यों देखेंगे आप? या तो कहना उसकी डिग्री चल रही है, एक सब्जेक्ट हो गया है, तो मैं ठीक है तब उस डिग्री के लिए, तो मैं ये कह रहा हूं ना कि जब उसको डिग्री के बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसके बाद उसको रखने की जरूरत है। मैंने कहा चले 3 महीने के लिए रख लें कि कोई सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आ जाता है कि जी इसको ठीक इशू हुआ था नहीं हुआ था। उसके बाद इन्होंने कहा कि ऑडिट का मसला हो सकता, ताहा ने कहा कि ऑडिट वगैरह करने की जरूरत है, साल के बाद ऑडिट होना हो, चले साल हो गया, साल रख लिया, आगे और क्या बस सर, उसके बाद फिर इसके कोई फर्दर रिकॉर्ड कीपिंग की कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं रहनी चाहिए सर। ओके ओके, शहबाज आप बताइएगा। और इसमें मेरे ख्याल में कोई ट्रेंड एनालिसिस या कोई स्टैटिस्टिकल टाइप कोई फ्यूचर में कोई डाटा हमने एनालिसिस करना है तो उसके लिए ये मे बी यूज हो सकता है। वेरी नाइस, इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी को जरूरत हो सकती है कि हमारे यहाँ अटेंडेंस कैसी आती रही है और क्या ट्रेंड बन रहा है ओवरऑल, एक क्लास नहीं, जहां तक इंडिविजुअल है ना कि मोहम्मद अजमल क्लास में किस दिन आया था किस दिन नहीं आया था। यूनिवर्सिटी इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट, यूनिवर्सिटी इज मोर इंटरेस्टेड कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर डे कितने आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में और उसका क्या ट्रेंड बन रहा है। इसका मतलब है दे आर इंटरेस्टेड इन नंबर्स, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नेम्स। तो इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा, मैं आगे बात करता हूँ। अर्शद साहब जी, अर्शद साहब चले, आशिर आप बोलिए। सर अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब उनको पता होता है कि हमारा हर मिनट ट्रैक हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो ज्यादा अकाउंटेबल हो जाते हैं। सर जिस पर्पस के लिए हो रहा था दैट पर्पस इज डेड, सर्टिफिकेट दे के वो बंदा चला गया, पता नहीं किस मुल्क में नौकरी कर रहा है। अब उस मुल्क में कोई ये तो पूछ सकता है कि तुम्हारी डिग्री जाली तो नहीं है, ये तो नहीं पूछ सकता, अपनी अटेंडेंस तो लेके आओ वहां से। जी जनाब। सर मेरी आवाज आ रही है? सर जी सर आ रही है। सर मेनली इसकी अगर सिंपल इस अटेंडेंस को यूनिवर्सिटी अपने एक्सेल शीट में डाल दे तो जब भी पता लग जाएगा कि ओवरऑल जितने आपके पार्टिसिपेंट्स ने क्लेम किया था कि वो ज्वाइन करेंगे तो बाद में उनकी अटेंडेंस कितनी रही है, किन किन वीक में क्लोज हॉलीडेज या उसके अलावा भी कितने लोग अटेंड होंगे, या उनको इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल टाइम एनालिसिस और गैदर अटेंडेंस अटेंड करने की या ना करने की तीन को रही है या मेल पार्टिसिपेंट को रही है। इसके अलावा सर ये आपको कि अगर फ्यूचर में भी आपने 40 अटेंडीज का कोर्स प्लान किया है तो ओवरऑल अटेंडेंस है 25-30 की रहेगी, तो आप कुर्सियां आगे पीछे करनी है या उस हॉल को किसी और पर्पस के लिए यूज करना है तो वो एनालिसिस भी। बट दिस कैन कम आउट। और ये डाटा आप कब तक रखना चाहते हैं? सर ये डाटा असल में इसको रखने में अगर देखिए प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चीज वेरी करेगी, ये तो बहुत छोटा सा डाटा है, ये तो आप बेशक एक मतलब किसी छोटी सी फाइल कंप्यूटर में पड़ी हुई है तो चाहे 5 साल पड़े गए इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आई थिंक वेस्टेज है, वेस्टेज ऑफ स्पेस है, हम क्यों रखें एक चीज जो बेकार है, अगर तो कोई फायदा है तो बता दें, अदरवाइज इट हैज टू बी डिलीटेड। बेसिक असूल यही है, जो चीज बेकार है वो कहाँ रखी हुई है आपने, जगह पे गिरी हुई है उसकी। आपकी बात ठीक है सर, आई फुली एग्री कि हमारी डेफिनेटली पब्लिक सेक्टर में भी सर हम डाटा या रिकॉर्ड को 5 साल के बाद एक्सेप्ट द पॉलिसी थिंग्स जस्ट अभी थिंग्स आर वेस्टेड इन अ कंट्रोल्ड वे। आपकी बात सही है। जो आपने बात की ना सर उससे एक बात सामने आती है और ये किसी हद तक वकास साहब ने भी यही बात कही थी, आपने ये कहा कि इस डाटे को हम मैनिपुलेट करके कुछ स्टैटिस्टिकल रिजल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन जब वो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट निकल गया और लाजमी बात है कि उस स्टैटिस्टिकल रिजल्ट निकालने के लिए मैं 5 साल का इंतजार तो नहीं करूंगा, कोर्स खत्म हो गया, डिग्री दे दी, तो अब मैं अपना स्टैटिस्टिक निकाल निकूल के जो कुछ रिजल्ट निकालना है वो निकाल के निकालूंगा और डाटा मेरे लिए बेकार हो गया। मेरे कहने का मकसद है कि मुझे एक्सपेक्टेटरी ये नहीं पता, ये नहीं चाहिए कि मिस्टर अजमल वाज प्रेजेंट ऑन डे वन आर नॉट, इस बात से मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इस बात से इंटरेस्ट है जैसे आपने कहा हाउ मेनी मेल एंड फीमेल एंड व्हाट वर द ट्रेंड ऑफ अटेंडेंस,
किन दिनों में अटेंडेंस ज्यादा होती थी, किन दिनों में कम होती थी और वगैरह वगैरह, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो वो आपने निकाल लिया ना डेटा उसमें से। ये जो आप डेटा निकालते हैं इसके ऊपर, ये इस तरह के मुख्तलिफ चेक्स लगाकर, इसको कहते हैं एनालिटिक्स। यू हैव डन द एनालिटिक्स एंड एन एनालिटिकल रिजल्ट इज विद यू नाउ, दैट एनालिटिकल रिजल्ट मे बी प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर बट दिस डेटा इज नो मोर ऑफ यूज। मुझे ये रीजन कोई चाहिए, कोई मुझे ये कन्विंस कर ले कि इस डेटे को ये साल से भी ऊपर रखने की जरूरत है। मैं सिर्फ ये कहता हूं इसमें से एक्सट्रैक्ट निकालें एनालिटिक्स का और उनके पैरामीटर्स रख लें, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बंदों के नामों का, रोल नंबरों का, डेट क्लास की डेट्स का, ये डाटा मुझे नहीं चाहिए, इसको थ्रो आउट। क्यों जी, एनीवन? ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल। साल के बाद सर आई थिंक कि अगर इस डाटा की बात करें तो साल के बाद चीजें एग्जैक्टली रेप्लिकेट ही होंगी, तो एक साल भी काफी है। हमने अगर कमेंट दी होगा आइंदा जो होंगे कोर्सेज उनकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड जिस तरह से एनालाइज होना है वो हमने इसका एनालिसिस किया हुआ है, हम इस एनालिसिस को उसमें शामिल भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एनालिसिस एनालिटिकल रिजल्ट ही की बुनियाद पे मैं बाकी एनालिसिस कर सकता हूं, मुझे डाटा फिजिकली नहीं चाहिए। ठीक है जी, मतलब मुझे नंबर्स मिल जाए ना, नंबर्स मिल जाएंगे, हाउ मेनी मेल हाउ मेनी फीमेल और बाकी ट्रेंड्स वगैरह पता चल जाए, तो मैं उन ट्रेंड्स को अगलों से कंपेयर कर लूंगा और ओवरऑल ट्रेंड निकालना है साल के बाद या पांच साल के बाद या 10 साल के बाद, वो हम निकाल सकते हैं। उसके लिए फिजिकल डेटे का होना जरूरी नहीं है। अच्छा, यहाँ ये बात जो हमने की है, मैं जरा इधर आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की सिचुएशन बताता हूँ जिससे आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कैन समबडी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेटाबेस एंड अ डेटा वेयर हाउस? आप में मुख्तलिफ शोबों से लोग हैं और गालिबन ये बात जरूर किसी ना किसी को पता होगी। जी आयशा। सर डेटाबेस जिस तरह हम कहते हैं एक ऑनलाइन होता है एक ऑफलाइन होता है डेटाबेस, या एक लाइक हार्ड में होता है, हम सॉफ्ट में भी डेटा रखते हैं हार्ड में भी डेटा रखते हैं, तो हम डेटाबेस उसको कहते हैं कि मतलब जिसमें फुल इंफॉर्मेशन होती है। हम यूजुअली जो डेटाबेस यूज करते हैं हम सॉफ्ट में यूज करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर होता है डेटाबेस का, कुछ इस तरह हम बना लेते हैं एक्सेल में या कुछ इस तरह। ठीक है सर, डेटा सर अपने डेटा वेयरहाउस वेयरहाउस सर मेरे ख्याल से ये जो इसका मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जो हम लोग हार्ड में डेटा रखते हैं आई गेस इसको कहते होंगे, क्योंकि हम लोग हार्ड में जब डेटा रखते हैं तो जाहिर है वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो हम किसी स्टोर में कहीं पर जो है ना प्रोजेक्ट वाइज या एक्टिविटी वाइज कहीं पर सारे साइट पे रख देते हैं, तो वो एक किस्म का हमारा जो है ना डेटा बेस हो जाता है हार्ड में ही, तो आई गेस सो। ओके ओके, पहली बात तो ये कि डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी ही सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए है, तो हार्डवेयर को हार्ड तो उसको छोड़ दें, दैट वो तो फाइल रखने का तो एक अलग से बंदोबस्त है। हार्ड के हवाले से अगर बात करें, सॉफ्ट के हवाले से अगर बात करें, तो डेटाबेस जो है वो बुनियादी तौर पे एक ट्रांजेक्शनल चीज है। जो जब डेटाबेस ईजाद हुआ ना तो बहुत डेटा था दुनिया में, क्या करें इनको डालें, क्लास का रिकॉर्ड है, फलानी चीज का रिकॉर्ड है, फलानी चीज का रिकॉर्ड है, तो बहुत से डेटाबेस, तो मसला ये था कि ये डेटा कंप्यूटर में किसी तरह चला जाए। तो उस वक्त जब डेटाबेसेस डिजाइन किए गए तो ये चीज सिर्फ मद्देनजर थी कि ट्रांजैक्शंस ऑफ डेटा इनटू द कंप्यूटर ये तेजी से हो और सही हो, करेक्ट हो। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर आपका डेटा डाला जा रहा है, तो आपका नाम, आपका पता, फोन नंबर, फलानी चीज, शहर, ये वो। अब आपकी पूरी क्लास में से 10 लोग ऐसे हैं जो इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते हैं, एंड नाउ समबडी इज टाइपिंग इन योर डाटा, और वो गलती से इस्लामाबाद के स्पेलिंग एक जगह पे गलत कर देता है। जब आप रिजल्ट उसका एनालाइज करेंगे तो वो कहेगा इस्लामाबाद के तो 9 लोग हैं, आप कहेंगे मैंने तो 10 डाले हैं। तो मतलब टाइपोग्राफिक मिस्टेक्स आर पॉसिबल, अदर एरर्स आर पॉसिबल, एंड इन ट्रांजेक्शंस वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव दिस काइंड ऑफ मिस्टेक। ठीक है जी, तो ऐसे काम के लिए हमने डेटाबेसेस को इंप्रूव करने के लिए, उसके रिजल्ट्स को ऑथेंटिकेट और कंसिस्टेंट बनाने के लिए, कि अगर कोई इस्लामाबाद है तो इस्लामाबाद के स्पेलिंग कहीं भी गलत ना हो, तो ये जो ट्रांजेक्शनल डेटाबेस था उसके अंदर हमने डेटे को
इस तरह से एंटर किया, हमने कहा भाई इस्लामाबाद का तो नाम ही नहीं देना आपने, आप ये बताएं नंबर वन इस्लामाबाद, नंबर टू लाहौर, नंबर थ्री कराची, तो आप बता दें कि कहाँ है। तो आप वन लिखा तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट स्पेलिंग के साथ इस्लामाबाद स्टोर हो जाएगा, ठीक है जी। ये वो रेफरेंस पड़ा हुआ है कि वन का मतलब है इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद इस्लामाबाद में चला जाएगा। तो ये डाटा कभी गलत नहीं होगा। बट द प्रॉब्लम विद दिस इज कि मतलब ये हुआ कि इसका मतलब है शहरों का एक डाटा अलग जगह पड़ा हुआ है, और टाइप ऑफ स्टूडेंट्स का एक जगह पड़ा हुआ है, उनकी प्रोफेशन का एक जगह पड़ा हुआ है, मतलब हर एलिमेंट का डाटा अलग अलग पड़ा है, और एक सेंट्रल डेटाबेस जो बना हुआ है वो उन सब से कंसल्ट कर करके पूछ रहा है, अच्छा शहर वन का क्या मतलब है, प्रोफेशन टू का क्या मतलब है, फलानी चीज का क्या मतलब है, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन गोइंग ऑन अमंग दिस। एज फार एज ट्रांजेक्शंस आर कंसर्न्ड वी आर डूइंग वेरी वेल, देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज वी आर बीइंग कंसिस्टेंट। मगर ऐसे डेटाबेस पे जब आप कोई क्वेरी लॉन्च करते हैं कि अच्छा बताओ जरा फलाने प्रोफेशन के कितने लोग हैं, और जिनका जो इंजीनियर भी हो, अब वो क्या करेगा, उसको दो तीन डेटाबेसिस से जाके कंसल्ट करके लाना पड़ेगा, एंड कंपैरेटिवली, वैसे तो आपको नजर नहीं आता लेकिन कंपैरेटिवली टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो इसमें गया डेटाबेस में, उसमें गया, उधर ढूंढा ढंडा जो भी कार्रवाई की, लेकिन एनीवेज आपको इंस्टेंटली रिजल्ट तो मिल जाता है छोटे मोटे डेटाबेस में। इसी को अगर आप एक ह्यूज डेटाबेस, मिलियंस लोगों का डेटाबेस हो, उसमें करें, तो उसमें आपको अपेरेंटली नजर आएगा कि मर गया कंप्यूटर। तो ये जो चीज हम कलेक्ट कर रहे हैं, ये डाटा एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा फलाने प्रोफेशन और फलानी चीज और इस तरह से मिला के डाटा लाओ, ये एनालिटिक्स कहलाते हैं। इन एनालिटिक्स के लिए डेटाबेस मौजूद नहीं होता, इन एनालिटिक्स के लिए डेटाबेस मौजूद नहीं होता। ऐसा काम करने के लिए, और डेटाबेस जो होते हैं वो फ्लैट स्ट्रक्चर हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर है, एक टेबल है जिसमें एक तरफ लोगों के नाम लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है, इसी तरह टू डायमेंशनल चीज है। जरूरत इस बात की महसूस हुई कि ये डेटा तो शायद ज्यादा देर तक जरूरत ना रहे, डेटे की, फिजिकल डेटे की जरूरत खत्म हो जाए, लेकिन इस डेटे में से ऐसे की पॉइंट्स निकाल लिए जाएं, समराइज्ड डेटा निकाल लिया जाए, जिसके ऊपर बाद में कोई भी मुश्किल किस्म के एनालिटिक्स रन किए जा सके। तो वो क्या कर दिया उन्होंने, उन्होंने जितने डेटाबेसेस थे उसमें से जो चीजें शेड ऑफ की जा सकती थी उनको शेड ऑफ करके ओनली जो न्यूमेरिक डेटाज हैं, या जैसे कि जी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फलानी चीज विच वर नो कशीद किए हुए रिजल्ट, उन कशीद किए हुए रिजल्टों को उठा के एक क्यूब की सूरत में ऑर्गेनाइज कर लिया, और वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ डेटा आते रहते थे उसमें, वो क्यूब बिल्ड होता जाता था। तो मतलब ये टू डायमेंशन के बजाय थ्री डायमेंशन डाटा बन गया, और इसमें डाटा ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती, इसमें डाटा एंटर अगर करेंगे तो उसमें फिर वही मसला आएगा नॉर्मलाइजेशन का, कि कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, इस्लामाबाद में स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है। लेकिन यहां पर जब डाटा महफूज किया जाएगा ये डीनॉर्मलाइज हालत में होगा, ठीक है जी। जब डाटा बेस था उसमें डाटा अलग अलग टेबल्स में था, यहां पर जो डाटा कशीद किया हुआ डाटा है वो नॉर्मलाइज्ड हालत में होगा, उसमें सारी चीजें पूरी लिखी होंगी, एक ही जगह से वो डाटा उठा के लाएगा। एक तो बात यह है कि एनालिटिक्स के लिए बहुत सूटेबल है, दूसरा इमीडिएटली इसको ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होता, और तीसरी चीज ये है कि ये जो डाटा वेयर हाउस बना जैसे इस्लामाबाद में नादरा का, वो बेसिकली उसके पीछे यही फिलॉसफी थी, ठीक है जी। जी आयशा कुछ बात समझ आई? तो मतलब मेरा कहने का ये है कि ये जो सारी कार्रवाई हमने की है, डेटाबेस कैन बी डिलीटेड, दैट कैन बी वेस्टेड, बट उसका कशीद किया हुआ रिजल्ट जो डाटा वेयर हाउस है वो इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें एक टर्म इस्तेमाल होती है डाटा माइनिंग की, कि डेटाबेसिस में जाओ और उसमें से जो डाटा कशीद करके लाओ, डाटा माइनिंग, ठीक है जी। और अभी आप आजकल जो लेटेस्ट सुन रहे हैं, बीच में आप एक चीज डाटा वेयर हाउस बन गया था बिग डाटा के नाम से, अक्सर लोगों ने सुना होगा नाम बिग डाटा, तो वो बिग डाटा की टर्मिनोलॉजी काफी अर्सा इस्तेमाल हुई। अब इस वक्त बाकायदा इसको जो ऑफिशियल नाम दे दिया गया है वो है डेटा साइंसेज, डेटा साइंसेज, और डेटा साइंसेज में ये सारी चीजें आ जाती हैं, और इस पे अब बाकायदा मास्टर्स भी होने लग गया। खैर मेरा कहने का मतलब है कि ये बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा साइंसेज आर द डेटा एनालिटिक्स, और
डेट इवन आपने कोई डॉक्यूमेंट भी जाया करना हो, खत्म करना हो, तो आप उसे क्यों बचा बचा के रख रहे हैं? आप 5 साल के बाद वेलवेट करते हैं, नहीं यार शायद किसी काम आ जाए, फिर रख लेते हैं, वो बेचारा वो फिर मजीद आपकी जगह घेरता रहता है। मतलब मुझे एक वो इतफाक हुआ अदालत से, एक बार कोई पुराना डॉक्यूमेंट निकालना था, आप यकीन करें वाकई जैसे आयशा कह रही है, फिजिकल ह्यूज वेयर हाउस, ह्यूज वेयर हाउस, और उसके अंदर शेल्फ ही शेल्फ लगे हुए, और जैसे पोस्ट ऑफिस की बोरियां होती हैं डाक वाली, वो बोरियां ही बोरियां पड़ी हुई हैं हजार हाँ की तादाद में, और उनमें जनाब पाकिस्तान के बनने से लेके अब तक या शायद उससे पहले का भी सारे केसेस का रिकॉर्ड वहां पे पड़ा हुआ है। अब ये क्या जरूरी है? लाजमी बात है कि जो जो जुडिशियल सिस्टम है उसके अंदर उन्होंने कोर्ट करना होता है केस, तो करना तो ये चाहिए था कि वो सारे डेटे को डिजिटाइज करते जाते, जो कि नहीं उस जमाने में नहीं होता था, चले अब कर लेते हैं, अभी तक नहीं किया, तो अब वो उनको संभाल के तो रखा हुआ है, लेकिन ना तो वो डिजिटाइज होते हैं और फिर उन कागजों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो वो अल्टीमेटली दैट रिकॉर्ड इज नॉट बीइंग वेस्टेड बट उसकी लाइफ पूरी हो चुकी है। हर दफा ये सोच के रख लेते हैं नहीं यार ये डाटा तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे तो केस पुराने फैसलों का हम प्रेसिडेंस दिखा सकते हैं, ये दिखा सकते हैं, तो भाई अगर दिखाना है तो उन सबको रिकॉर्ड करें और फिर कंप्यूटर से कहें कि हमें प्रेसिडेंस निकाल के दिखाएं, डाटा एनालिटिक्स उसके थ्रू हो। किसी हद तक अदालती निजाम में या फॉर दैट मैटर ये लोग लीगल प्रोफेशन में कुछ लोगों ने हल्का फुल्का अटेम्प्ट किया, लेकिन लाजमी बात है सारा डाटा तो नहीं डाला उन्होंने, तो सिर्फ वही जो किताबें इनकी बनी होती हैं जो PDLCs वगैरह, उन्होंने सिर्फ उसमें से डाटा निकाल के उसमें डाला है और वो भी काफी सूदमंद है। मगर मेरा कहने का मकसद है कि इतना डाटा जो है वो इतने स्टोर वेयर हाउस रखे हुए, आप अंदाजा लगा सकते हैं उस वेयर हाउस का सदियों से जो टाइम जो खर्चा आ रहा होगा, पर रेंट तो दे रहे हैं ना कोई गवर्नमेंट की अपनी बिल्डिंग भी है तो उसमें वो होटल बना सकते थे, कुछ और कर सकते थे, पैसे कमा सकते थे, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है ना, तो इसका मतलब है वी आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इन यूजलेस एफर्ट। ये है वो यूजलेस एफर्ट। आप जो कहते हैं मोस्ट इकोनॉमिकली और एफिशिएंटली अगर चलना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर तो नो वेस्टेज व्हाटसोएवर। जैसे मैंने अर्शद साहब को कहा कि भाई अगर उसका काम नहीं है तो अभी पाल के रखने की क्या जरूरत है, कि अगर वो चार आने की चीज भी है, मतलब उसका आप कहते हैं कि जरूरत रत्ती बराबर कोई शायद इस्तेमाल कभी हो जाए तो रख लेते हैं, कौन सी जगह ले रहे हैं, दैट इज नॉट अ सफिशिएंट रीजन कि जी कौन सी जगह ले रहे हैं, तो वो पालते रहेंगे और अल्टीमेटली मतलब मैं आई एम आल्सो ऑफ द सेम हैबिट कि डाटा यार जाया नहीं करना चाहिए काम का है। आप यकीन करें कि हमेशा मेरी हार्ड डिस्कें फुल हो जाती हैं बेशक मैं कितनी ही बड़ी क्यों ना ले आऊं। वजह क्या है कि वो सारा पिछला गंद रखा हुआ है जो कि किसी काम का भी नहीं है, कभी उसको कंसल्ट भी नहीं किया। तो बुनियादी तौर पर अगर आप किसी चीज को से फर्ज करें मैं 3 महीने तक एक्सेस नहीं करता तो वो चीज मैं कभी भी एक्सेस नहीं करता, ठीक है जी। खैर एनीवेज ये तो आपने अपना रूल आपकी ऑर्गेनाइजेशन का होगा, लेकिन इसको इन चीजों को जो मैंने बताई हैं उनको थोड़ा सा मद्देनजर जरूर रखें क्योंकि इनसे जरूर आपको फायदा होगा फैसले करने में। तो अल्टीमेट डिस्पोजल है जी उस इंफॉर्मेशन का। प्रोजेक्ट मैनेजर स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम कम्युनिकेटिंग विद टीम मेंबर्स एंड अदर प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप यकीन करें प्रोजेक्ट मैनेजर कुछ नहीं करता, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है एक्सेप्ट फॉर कम्युनिकेशंस। 90% ऑफ द टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर का लोगों से बातचीत करने में गुजरता है, जिसमें बहुत सी चीजें हैं, कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करता है, निगोशिएशंस करता है, बातचीत करता है, रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करता है, मगर खाता जुबान की है, कम्युनिकेशन की खाता है। तो 90% टाइम ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स टाइम इज स्पेंड इन एक्चुअल कम्युनिकेशन, वेयर एज रेस्ट ऑफ द 10% माइट बी कोई फाइल सीधी कर दी, कोई फलाना काम कर दिया, कोई नोट लिख ली, मतलब अगर लिख भी लिया कुछ तो वो भी एक तरह की कम्युनिकेशन ही है, बट एनीवेज मोस्ट ऑफ द टाइम उसका कम्युनिकेशन ही में जाता है, ठीक है जी, क्योंकि उसने खुद कुछ नहीं करना है, उसकी टीम ने काम करना है। एक अच्छा लीडर वही है जो अपनी टीम से काम करवाना जानता है, ये नहीं कि खुद काम करना शुरू कर दे। ऑल्दो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ खुद काम करने के, अगर आप मोटिवेशनल पर्पसेस के लिए लोगों के साथ बैठ के खाना भी खाते हैं, उनके साथ उनका हाथ भी बटाते हैं, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि आपकी जो जिम्मेदारियां आपको सौंपी गई हैं वो आपने पूरी कर ली हैं
और लेयर टाइम में आप ये सोशलाइजिंग कर रहे हैं. आई वुड रादर काउंट इट एज सोशलाइजिंग. आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपनी सोशलाइजिंग कर रहे हैं, उन लोगों के साथ ताल्लुकात मोटिवेशन कर रहे हैं उनकी, और कोई बात नहीं. तो ये भी एक तरह की कम्युनिकेशन ही है, लेकिन आप उसमें फिजिकल वर्क अगर कर भी रहे हैं तो इसकी जरूरत एज सच कोई नहीं है. आप अपने उस मिजाज के हिसाब से चीजों को देखें. मैं इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है आपके, मतलब अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में भी मैंने देखा है कि काफी बेहतर ये चीज पाई जाती है कि एम्प्लॉयज को साथ लेके चलते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं. मैंने शायद आपको एग्जाम्पल दी होगी, ये जो अभी जाफर ब्रदर्स के सीईओ हैं सैयद वकार, वकार पूरा नाम मेरे जहन से निकल गया, वकार एनीवे जो भी है. तो वकार जो है वो पहले टेरर डाटा के भी कंट्री मैनेजर रहे और भी ऑर्गेनाइजेशंस के रहे. इनका मैं काफी इंस्टांसेस मैंने इस बंदे के नोट किए हैं. जबरदस्त इसका स्टाइल है, मतलब कम्युनिकेशन इस पे एंड है. मतलब एक दफा मैं ट्रेनिंग करवा रहा था इसमें क्या नाम है इधर मैरियट में इस्लामाबाद, तो वहां पर मैंने देखा कि वो कार वाज पासिंग थ्रू. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग भी थी इन्हीं की कंपनी की ट्रेनिंग थी, तो मैंने कहा शायद उन लोगों से मिलने आए होंगे. तो मैंने जब पूछा लोगों से कि यार ये कार इधर क्यों आए थे और आप लोगों के लिए आए थे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं, हमारे लिए नहीं आए थे. ये बेसिकली इन्होंने तरीका ये किया हुआ है कि हर महीने एक कुर्रा निकलता है, ठीक है जी, पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में से, और कोई 4 से 5 लोग जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं, एंड दैट कुड बी एनीवन, ठीक है. वो कोई स्वीपर भी हो सकता है, कोई हायर मैनेजमेंट का बंदा भी हो सकता है, सब वो 4-5 बंदे जिनका कुर्रा निकला है उनको सीईओ साहब मैरियट में बुला के खाना खिलाते हैं और उनसे गपशप लगाते हैं. अब आप मुझे ये बताइए कि उसी टेबल के ऊपर उसका स्वीपर भी बैठा हुआ है, उसका क्लीनर भी बैठा हुआ है, उसका एक कोई एग्जेक्टिव सीओओ भी बैठा हुआ है. अब आप मुझे अंदाजा करके बताएं कि हाउ मेनी ऑफ अस कैन स्पेयर टाइम फॉर दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी. वेरी रेयर. फौज को छोड़ दें, फौज में तो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रहता वैसे भी रहता है लोअर स्टाफ के साथ, और आप खुद करते भी हैं, इंटेंशनली भी बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि हमारी सारी काम ही मोटिवेशन के ऊपर खड़ा हुआ है. तो वो तो एक अलग चीज है कि आप खाना भी उनके साथ खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रहना जो उनके साथ है. तो लेकिन आप यहाँ देखिए कि यहाँ आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं और आप यू कैन लिव योर लाइफ लाइक लॉर्ड्स, एंड दिस पर्सन इज नॉट ओनली कम्युनिकेटिंग विद देम बट ही इज कमिंग टू देयर लेवल. और इस तरह की और बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं और बहुत से लोगों की एग्जाम्पल्स भी हैं, मगर ये है कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो वाकई आपके और आपके एम्प्लॉयज या आपके स्टेक होल्डर्स के दरमियान का डिस्टेंस दूर करती है. पॉलिटिक्स अपनी जगह, वो जो पावर पॉलिटिक्स की बातचीत है वो अपनी जगह, लेकिन ये सॉफ्टर साइड है, ये हमें करनी होगी. तो ये जनाब इस किस्म की चीजें आपको मिलेंगी और उनके ऊपर नजर रखेंगे आप के इर्द गिर्द लोग जो हैं जिनको आप जानते हैं वो इन चीजों में कितने हैं. मतलब एक दफा मुझे किसी ने ये कहा कि बल्कि ये बड़ा मशहूर कोट भी है लेकिन मुझे फिजिकली किसी ने ये बात की, उन्होंने कहा जी कि अगर किसी को देखना हो आपने कि वो कितना कर्टियस है या कितना सही बंदा है, तो आप ऐसा करें कि कुछ के साथ खाना खाने जाएं और वेटर को पैसे दें कि इसके ऊपर पानी का ग्लास गिरा दें और फिर उस बंदे का रिएक्शन देखें. अगर वो अपनी सही रंग में नहीं आ जाता और उसकी बेइज्जती करके नहीं रख देता, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल 2 नंबर आदमी है. जितनी भी कहानी जानी ऊपर बनाई हुई है वो पर्सनैलिटी और ये वो सब अंदर से ये बिल्कुल ही ही हैज नो पर्सनैलिटी व्हाटसोएवर. और अगर ये उससे उल्टा उठ के माजरत करे कि सॉरी यार ये क्या हो गया वो हो गया, और उसको बिल्कुल माइंड ना करे कि उसके ऊपर पानी गिरा दिया गया है, तो दैट इज अ रियल पर्सन. खैर एनीवेज ये तो एक बातों में से बात होगी. ये तो खैर पर्सनैलिटी की, ये तो शायद मैं खुद भी समझता हूँ कि शायद मेरे में भी ये खसूसियत ना हो, मतलब गुस्सा तो मुझे भी आ जाएगा, किसी को भी आ जाएगा. लेकिन वो जो दूसरी वाली एग्जांपल है कि वो जैसे उसको असल में बिहेव करना चाहिए, ये वो चीज़ है जो नर्चर करने की जरूरत है. अच्छा जी, खैर तो हम बात कर रहे थे कि ज़्यादातर टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर का कम्युनिकेशन में गुजरता है अपने टीम के साथ और अपने
स्टेक होल्डर्स के साथ, इससे मतलब नहीं है कि वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, डिपेंड करता है आपके स्टेक होल्डर किस किस्म के हैं। अगर से कि प्रोग्राम लेवल है, प्रोग्राम लेवल के स्टेक होल्डर का रंग ही और होता है और उस हिसाब से आपको उनको डील भी करना पड़ता है, उनका लेवल भी बढ़ जाता है, तो स्टेक होल्डर की के हिसाब से आपको अपने आपको टेलर करना पड़ता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है दैट क्रिएट्स अ ब्रिज बिटवीन डाइवर्स स्टेक होल्डर। बट देखें, इट इज नॉट ओनली दैट यू आर कम्युनिकेटिंग विद आवर स्टेक होल्डर, बेसिकली यू नीड टू क्रिएट ब्रिजेस। मतलब दो नाराज लोग हैं और उनके दरमियान कम्युनिकेशन करवाना, और उसका मतलब दो स्टेक होल्डर्स के दरमियान, क्योंकि उनके दरमियान कम्युनिकेशन होने की जरूरत है। अगर प्रोजेक्ट की जरूरत है कि वो उन्होंने एक ने कोई चीज किसी दूसरे को बतानी है, तो उन वो आपस में बात नहीं करते, उनको उनके दरमियान वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करवाया जाए। हु मे हैव डिफरेंट कल्चरल और ऑर्गेनाइजेशनल बैकग्राउंड, ये मसला हो सकता है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सपर्टीज, डिफरेंट पर्सपेक्टिव। वो डिफरेंट लेवल्स की बात करते हैं, मतलब ये एक बड़ी कॉमन बात है कि आप जब किसी बड़ी गैदरिंग में दो कंपनियां या कोई बड़ी कंपनी के बहुत से लोग एक ही खाने पे इनवाइटेड होते हैं, तो आप ये देखेंगे कि जो सी लेवल के जितने लोग होते हैं वो अलग खड़े हो जाते, जाके आपस में गप लगानी शुरू कर देते हैं। जो मिडिल लेवल के हैं वो अलग ग्रुप बन जाते हैं। मेरा मतलब है ये क्या पैथेटिक किस्म का सिस्टम है कि जिसके अंदर हम इकट्ठे होके भी एक दूसरे से बात करने की सलाहियत खो बैठे। मतलब मिक्स गैदरिंग होनी चाहिए। आई मीन टू से जो सीईओ है, एक सीईओ खड़ा है, तो जब कोई सी लेवल का दूसरा बंदा देखे कि इस गैदरिंग में, इस ग्रुप में ये खड़ा है, तो वो तो जाए ना, वो किसी और जगह पे सर्कल अपना बना ले। तो इस तरह सबको मौका मिलेगा कि वो इंटरेक्ट कर सके मुख्तलिफ लोगों के साथ। लोग अपने ग्रुप चेंज करते रहे, इधर से निकल के कोई उधर चला जाए, कोई उधर चला जाए, और वो सब सी लेवल लोगों के साथ मिल लेंगे। अब जब वो एक ही ग्रुप बना के कोने में खड़े हुए हैं, तो किसी की मजाल नहीं है उनके करीब से भी गुजर सके। बल्कि यहाँ तो ये देखा गया है कि वहां उनके लिए खाने की टेबल ही स्पेशल होती है। जो डिग्नेटरीज हैं उनकी खाने की टेबल ही स्पेशल होती है, उनका मेन्यू ही स्पेशल होता है। दे आर नॉट ईटिंग द सेम थिंग एट ऑल। ठीक है जी, तो ये वो गैप्स हैं जो आप क्रिएट करते हैं, और ये कम्युनिकेशन के गैप्स ना हो। अगर अगले को पता है कि आप भी वही चीज खा रहे हैं जो मैं खा रहा हूं, बड़ी बात होती है जी, बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मतलब द सेम टेस्ट व्हिच इज इन माई माउथ इज इन द इन योर माउथ। अगर मुझे इस बात का यकीन हो तो वो एक 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 यूनिटी सी बन जाती है कि यार वी आर फीलिंग, वी आर हैविंग सिमिलर फीलिंग्स, राइट। तो फिर जनाब डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, इंटरेस्ट हो सकते हैं, विच इंपैक्ट आर हैव एन इन्फ्लुएंस अपॉन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड आउटकम। ये याद रखिएगा, ये सारी बातें जितनी भी हम करें, नॉर्मल सॉफ्ट बातें तो हैं, किसी भी जगह अप्लाई हो सकती हैं, लेकिन यहाँ हमारा जो फोकस है वो प्रोजेक्ट की कामयाबी है। तो प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए हमें ये इंश्योर करना है कि हर तरह की कम्युनिकेशन जो मुमकिन है वो हो और सही हो। प्रोसेस हमारे पास सिर्फ तीन ही है, प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, मैनेज कम्युनिकेशन और कंट्रोल कम्युनिकेशन। जो प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है, लाइक जितने भी हमने पहले प्रोसेस पढ़े हैं, उसमें प्लान वाला हमेशा होता था, मैनेजमेंट प्लान बनाता था। यहाँ पर भी कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान बनेगा, लेकिन अंदाजा कर लीजिए कि कितनी थॉरो चीज बनेगी। वो जो जितनी बातें मैंने आपको बताई थी कि जी कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और ये और वो सब चीजों को इसने प्लान करना है। अगर फाइलें उसकी रखी जाएंगी कम्युनिकेशन की, तो उनका फाइलिंग मैकेनिज्म बताना है। अगर डेटाबेस होगा तो ये बताना है कि डेटाबेस किस तरह का होगा, कि उसके अंदर कितने फील्ड होंगे, क्या क्या चीज उसमें डालनी है, क्या रिकॉर्ड करना है, क्या नहीं करना है, और उसकी टाइम लिमिट्स क्या हैं, कोई हिसाब किताब के डाटा जनरेट होने के इतने मिनट के अंदर अंदर कंप्यूटर में पहुंच जाना चाहिए या फाइल में पहुंच जाना चाहिए, या अगर रिपोर्ट की सूरत में जाना है तो रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, उसमें कैसे उसे फिल किया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो ये तमाम चीजें कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान का काम है, और ये इंश्योर कैसे करेगा, ये तो खैर डिटेल आ गई। प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट करने के लिए स्टार्ट कहानी कहाँ से होगी। प्रोजेक्ट मैनेजर शुड लुक एट कम्युनिकेशन फ्रॉम स्टेक होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए बात यह है कि बट मैंने अब पहले भी कहा था, शुरू करते हुए भी ये कहा था, जो भी कम्युनिकेशन होनी है स्टेक होल्डर्स के अमॉन्गस्ट होनी है। एक बात तो ये फाइनल है, स्टेक होल्डर्स ही के दरमियान होनी है ना कम्युनिकेशन। अब ये सोचिए कि वट इफ एवरीबॉडी ऑल द स्टेक होल्डर, मैं बहुत ह्यूज आपके कम्युनिकेशन वो स्टेक होल्डर्स हैं,
उसमें आपकी टीम भी है, आपके अंदर बाहर के लोग भी हैं, ठेकेदार भी हैं, ये भी है वो भी है, गवर्नमेंट के भी बंदे हैं, मीडिया का भी बंदा है वगैरह वगैरह, ऑल ऑफ दीज स्टेक होल्डर्स. वट इफ एवरीबॉडी स्टार्ट्स टॉकिंग टू एवरीबॉडी, वट विल हैपन टू द प्रोजेक्ट? क्या ख्याल है जी, अगर हर कोई हर किसी से बात करना शुरू कर दे तो क्या आलम बनेगा? जी प्लीज रेज हैंड, क्या व्यूज है आपके? जी जनाब, कोई इंटरेस्टेड नहीं है? जी अर्शद साहब, जी अर्शद साहब बोलिए. सर आई एम सॉरी, ये आपने जो क्वेश्चन किया है इस दौरान में आवाज गायब हो गई थी, तो बिल्कुल पता नहीं चला कि आप. सर मैं मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके लाजमी बात है अच्छे खासे नंबर ऑफ स्टेक होल्डर होंगे, और वर्स्ट केस सिनेरियो कुड बी दैट एवरीबॉडी स्टार्ट्स टॉकिंग टू एवरीबॉडी, वर्स्ट केस ना, एवरीबॉडी स्टार्ट टॉकिंग टू एवरीबॉडी, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई तमीज नहीं है, हर कोई हर किसी से बात कर रहा है, तो ये एक टोटल क्यास की सिचुएशन बन जाएगी. प्रोजेक्ट मैनेजर को समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो क्या रहा है मेरे इर्द गिर्द, शोर मचा हुआ है, हर कोई हर किसी से हर किस्म की बात कर रहा है. सो दिस इज अ टोटल क्यास. प्रोजेक्ट मैनेजर डज नॉट वॉन्ट हिमसेल्फ टू बी एंटेंगल्ड इन टू दिस. एंड वट कुड बी द अदर एक्सट्रीम? अदर एक्सट्रीम कुड बी के नोबडी इज टॉकिंग टू एनीबॉडी, विच इज इक्वली बैड. कम्युनिकेशन होगी नहीं इफ नोबडी इज टॉकिंग विद एनीबॉडी, कम्युनिकेशन होगी नहीं तो प्रोजेक्ट तो बेड़ा गर्क हो जाएगा. और एक्सेसिव कम्युनिकेशन, एवरीबॉडी टॉकिंग एवरीथिंग विद एवरीबॉडी, ये भी बहुत खतरनाक बात है. तो इसका मतलब है इन दोनों सिचुएशन के कहीं दरमियान में अमन और सुकून लिखा हुआ है, मतलब जो डिजायर्ड स्टेटस है वो कोई बड़ा बैलेंस किस्म की जगह पे है सेंटर में करके. खैर वो देखना पड़ेगा कि वो कहाँ है, लेकिन कम अज कम वर्स्ट केस सिनेरियो और बेस्ट केस सिनेरियो, या यूं कह लीजिए कि दोनों ही वर्स्ट केस हैं, दोनों वर्स्ट केस की जो लिमिट्स हैं, जो क्या कहते हैं कंट्रोल लिमिट जो है उसको डिफाइन कर लें. कंट्रोल लिमिट एक हम कह रहे हैं कि नोबडी इज टॉकिंग टू नोबडी, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो कम्युनिकेशन चैनल अवेलेबल एट ऑल, कोई बात ही नहीं कर रहा, नो कम्युनिकेशन चैनल. If everybody is talking to everybody, how many communication channels would be there? For that, we need to know how many people are there. And assuming that a communication channel is a two-way channel on which if you are both introduced, you can communicate in any possible way you want. The channel is only a medium. You, aap email ke through baat karein, phone ke through baat karein, physically milein, चाय पिए, मीटिंग करें, जो मर्जी करें, बट वंस यू नो ईच अदर द कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन यू टू पीपल इज एग्जिस्टिंग, राइट? एंड यू कैन यूज दिस कम्युनिकेशन चैनल फॉर कम्युनिकेटिंग एनीथिंग. अभी मैं इसके ऊपर कैप नहीं लगा रहा कि क्या कम्युनिकेट करेंगे, कुछ भी कम्युनिकेट करें, और ये है भी टू वे चैनल, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं. तो इसका मतलब है हर दो बंदों के दरमियान एक कम्युनिकेशन चैनल तो होगा. अगर बंदे तीन हो जाएं, तो बताइए कि कितने के कम्युनिकेशन चैनल हो जाएंगे. रूल वही है, एवरीवन इज कम्युनिकेटिंग विद एवरीवन. जी जनाब जुबैर साहब, जनाब सर बोलिए. माइक नहीं खुला हुआ आपका. जुबैर साहब माइक नहीं खुला हुआ आपका. सर मैं कह रहा था कि अगर तीन बंदे हो जाएंगे फिर कम्युनिकेशन चैनल छह हो जाएंगे. सिक्स कम्युनिकेशन चैनल हो जाएंगे. जी सर. ये सर एक बंदा है ए, ये एक बंदा है बी, और ये एक बंदा है सी. जी आपको नजर आ रहा है ये? जी सर. ओके, अब आप ये देखिए, मैंने कहा दो बंदों के दरमियान एक ही कम्युनिकेशन चैनल हो सकता है,
बेशक वो ए बी से बात करे या बी ए से बात करे, चैनल एक ही है। मतलब आप ऐसे बना देते हैं ये एक चैनल है, अच्छा ये एक चैनल ए बी से बात कर सक रहा है और ए को सी से भी बात करनी चाहिए। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देख लिया, अब बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। बी का चैनल ए के साथ पहले से एग्जिस्ट करता है, कोई बात नहीं, बी ने सी से भी बात करनी है। अब सी की तरफ से देखें, सी ए से बात पहले से ही कर सकता है और बी से भी पहले से ही कर सकता है, तो ये हो गए 1, 2 और 3, तो आपके कम्युनिकेशन चैनल बने 3। जी जुबैर साहब बात समझ आई? जी सर, सर ये हाँ 3 बने जी, लेकिन सर जी 3 ही बनेंगे, ठीक है। वो मैंने कहा ना कि 2 वे चैनल, ठीक है सर जी, आप हाँ 2 वे है इसलिए बिल्कुल ठीक है। और आशिर आपका क्या, आप क्या कहना चाह रहे हैं आशिर? सर मेरा यही था कि मुझे लग रहा था शायद 4 चैनल्स होंगे, लेकिन आपने कह दिया 2 वे है तो फिर 3 ही बनते हैं चैनल। नहीं तो 4 मुझे लग रहा था, एक सर एक वो जिसमें ए बी सी तीनों का होगा, लेकिन वो ए बी सी आपने फिर क्लियर कर, तीनों का तो कोई चैनल नहीं हो सकता ना। जी जी सही है सर, वो ब्रॉडकास्ट मीडियम क्लियर कर, ब्रॉडकास्ट मीडियम तो नहीं है ना, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा फर्ज करें आशीष साहब कि ये 3 बंदे ना होते, 4 बंदे होते, फिर क्या होता? ये मैं चौथा बंदा बना रहा हूँ यहाँ पर, आप जरा सोचें इसको कैसे किक करेंगे। आपको पता है इसके ऊपर क्या कहते हैं, अगर मैं आपको कंट्रोल दूं तो आप खुद इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं सर? 7 हो जाएंगे तब, मैं वही कह रहा हूँ, आप चलें 6 हो जाएंगे बल्कि, राइट ओके। ए से बी का ताल्लुक बना हुआ है, सी से ए से सी का बना हुआ है, ए से डी का नहीं बना हुआ, ये बना दें। फिर आए बी के ऊपर, बी से ए का है, बी से सी का है, बी से डी का नहीं बना हुआ, ये बना दें। उसके बाद आप आ जाएं सी के ऊपर, सी से ए का है, सी से बी का है, सी से डी का नहीं बना हुआ, वो बना दें। और कोई लिंक रह तो नहीं गया? सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है आशीष साहब? जी सर 6 बनते हैं। ओके और कौन बताएगा मुझे? आमना आप बताइए कि अगर 5 हो जाएंगे तो क्या होगा? जी आमना बोलिए। जी आयशा आप बोलिए। अनिला मैं आता हूं आपकी तरफ। सर 10 नहीं आ जाएंगे? 10 हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। देखें ना 6 तो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो अगर आप वो दूसरे लॉजिक से देखें, अब ई तो खाली बैठा हुआ है, ई ने चारों से मिलना है, तो 6 और 4 10 हो जाएंगे, सीधी सी बात है। मगर ये कि अगर आप उस तरह से देख रहे थे, ए ए का बी से, ए का सी से, ए का डी से, तो ए का ई से बना दें। फिर आप बी की तरफ से जाएंगे तो भी उधर से भी बनेगा, सी की तरफ से भी बनेगा और डी की तरफ से भी बनेगा, तो ये 4 चैनल ऐड हुए और 6 और 4 10 चैनल हो गए। जी अरशद मीर साहब। जी अरशद साहब। जी सर ऐसे ही है, आप ठीक कह रहे हैं, वो यही प्रॉब्लम आंसर बनता है। ओके अच्छा आप मुझे ये बताइए अरशद साहब के ये जो सर, ये चीज है कुछ मैथमेटिकल टाइप तो लग रही है ना आपको, कैन यू ड्रॉ रिलेशन? जी सर। क्या फार्मूला हो सकता है, मतलब 2 बंदों पे 1 चैनल, 3 बंदों पे 3 चैनल, 4 बंदों पे 6 चैनल, 5 पे 10 चैनल, ये क्या हो रहा है, इसका क्या फार्मूला बनाए? सर मैं वही सोच रहा था, डेफिनेटली कोई लेजिम बनेगा इसका सर। देखे ना एक चीज तो इसमें बड़ी वाजी नजर आ रही है कि पिछले वाले में अगर ये जमा हो जाए तो ये रिजल्ट आ जाता है, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, 2 + 1 = 3, बात बनती है कि नहीं बनती सर?
तो इसे अगला सिक्स पे क्या होगा, सिक्स पे क्या होगा, फाइव प्लस टेन इज फिफ्टीन, और सेवन पे क्या होगा, ट्वेंटी वन। लॉजिक बनता है ना जी? लॉजिक ही सर, बिल्डअप। ये असल में थोड़ा ये वो नहीं एक्सरसाइज है जो वो आईक्यू में पूछते होते हैं इस तरह के सवाल। अच्छा सीरीज बनाए के जी शुरू हो जाएगा, आप अगला सवाल यही होना के लिए। अच्छा खैर, इसका जी एक फॉर्मूला भी है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एन इज द नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स इंटू नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। ठीक है जी, टोटल स्टेक होल्डर कितने हैं जी, छे इंटू सात। ठीक है, ये एक और डायमेंशन से पकड़ा है इसने, सिक्स इंटू सेवन क्या बना जी, पर छे के छे क्या बना जी, सिक्स इंटू सेवन 42 सर, 42 बाय 2 इज 21 सर। नहीं सॉरी, ये एन माइनस है, मैं गलत कर गया, ये प्लस नहीं है सर, ये माइनस, ये मेरा दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ है। ओके, एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू, वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया। तो ये जनाब फर्ज करें, क्या हम सिक्स पे कर रहे थे ना सर, सिक्स इंटू फाइव ठीक है सर, 15 ठीक है, और इसी तरह ठीक है, अगर 100 हो तो 100 इंटू 99 डिवाइडेड बाय 2 जो भी आएगा वो उसका जवाब आ जाएगा। अब ये हुआ कि अब मैं कम से कम हर तरह के स्टेक होल्डर्स के बता सकता हूँ आपको, बेशक आप 150 लें, 5000 लें, 25000 लें, तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता सकता हूँ कि आपको कितने कम्युनिकेशन चैनल्स इससे खुलेंगे। अब एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और थोड़ा वही थोड़ा आईक्यू वाली बात भी आ जाती है, जरा गौर से सुनना है और उसे हल करना है। फर्ज करें कि यू हैव 50 स्टेक होल्डर्स, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रोजेक्ट की लाइफ के दौरान 25 नए स्टेक होल्डर एड हो जाते हैं। प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो कितने स्टेक होल्डर थे, 50, आप 25 नए स्टेक होल्डर बीच में ऐड हो गए। आपने मुझको ये बताना है हाउ मेनी कम्युनिकेशन चैनल्स विल बी एडेड, बस कितने नए कम्युनिकेशन चैनल खोलने पड़ेंगे। टेक योर टाइम, सोचें जरा, इसको अपने कागज पेंसिल पे हल करें, कैलकुलेटर रखना पड़ेगा थोड़ा सा। जी रिजवान साहब, सर अगर रिपीट कर दें ये क्वेश्चन सर, इनिशियल स्टेक होल्डर एन वन क्या देते हैं, एन वन इज इक्वल टू 50 प्लस एन जो हुए हैं उसमें वो हैं 25 नए आए हैं। ठीक है जी, और हमने ये पूछा है कि कितने चैनल मजीद खुलेंगे, कितने चैनल मजीद खुलेंगे। ठीक है सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम जी। जी जनाब, जुबैर साहब सर, मैं एक्स्ट्रा 925 चैनल मजीद खोलने पड़ेंगे, 925 और 925 जी सर। ओके सर, मैंने कैलकुलेट किया है तो 300 और चैनल्स ऐड करने पड़ेंगे, 300 पूरे जी सर, 25 इंटू 24 डिवाइड बाय 2, 600 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 300। नहीं, फिर बताइए क्या
क्या किया आपने 25 इनटू 25 मोर चैनल्स, सॉरी 25 न्यू स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं ना, तो हम ये कर रहे हैं एन इक्वल टू 25, तो 25 इनटू 24 इज 600 और 600 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 300 आंसर आएगा सर। सही कह रहा, 300 आएगा सर। अच्छा जी सर, 300 ये जो न्यू चैनल्स ऐड होंगे। अच्छा जी, तो आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप दोनों गलत हैं। और जी ये बताएं जी, क्या नाम है वसीम साहब? जी वसीम सर, इस 1550 चैनल्स आ रहे हैं मेरे पास, 1550। क्या तरीका इस्तेमाल किया आपने सर? इसमें ये तरीका ये है कि 50 का पहले मैंने निकाला n into n minus 1 divided by 2, उसके बाद फिर मैंने 50 में ऐड किए 25 चैनल्स, 25% जोर, तो 75 हो गए, तो 75 into 74 divided by 2, तो 2775। इसमें से मैंने 50 के सब्ट्रैक्ट किए तो 1550 चैनल्स इसमें हमारे कम्युनिकेशन के बन रहे हैं सर। 75 into 74 को जब आपने 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 2775। इसमें से आपने पुराने वाले निकाल दिए, इसमें से माइनस कर दिया, ओके, वो 1550 आ गया सर कम्युनिकेशन चैनल, वो था 1225 और अब आपने इसको उसमें से निकाल दिया, 1550 आंसर आ गया। जी सर, क्यों जी, बाकी लोगों को कुछ समझ आया कि ये क्या क्या किया इन्होंने? देखें, एक बात समझनी है इसमें और वो ये है कि पहले 50 थे, 25 ऐड होने के बाद 75 हो गए। लाजमी बात है 75 का अपना आउटले होगा, 75 के कितने जितने भी चैनल्स बनते हैं वो 50 के चैनल से निकाल दें तो इतने चैनल ऐड होंगे, मतलब पहले थे 1225 चैनल और अब उसमें 1500 कितने ऐड हो गए। गॉट इट जी? जी जनाब, समझ आई कि नहीं आई? जी वसीम। जी सर बिल्कुल समझ आ गई सर, सिंपल है सर, ये है जी 15। आप ये देखिए कि पहले आपके जो स्टेक होल्डर थे वो 1225 बन रहे थे, 1550 चैनल खुले हैं इस नए 75 लोगों की वजह से, सॉरी 25 लोग ऐड होने से 1550 ऐड हुए हैं। ठीक है जी, तो ये बात जरा ध्यान में रखनी है क्योंकि इस तरह का सवाल एग्जाम में कभी कभी आ भी जाता है। जी अनिला जी बोलिए। क्या अनिला आप कुछ कहना चाह रही हैं? रिजवान बशीर साहब ने भी ये जवाब दिया है, अभी जवाब भी इन्होंने दिया ना? हाँ इन्होंने दिया, ठीक है। तो ये करेक्ट कर लीजिए जी, सो जो थोड़ी बहुत आप लोगों को थोड़ी मिस्टेक थी, इसको जरा थोड़ा लॉजिकली देखना, वही मैंने कहा था ना थोड़ा सा आईक्यू चाहिए होता है इन चीजों में। अच्छा जी, तो ये बात हो गई, तो अब हम कम अज कम ये बात समझ गए हैं कि कम्युनिकेशन चैनल कैसे होता है। अब अगला सवाल, ये मुझे ये अंदाजा होना चाहिए एज अ स्टेक होल्डर कि इन द वर्स्ट केस सिनेरियो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चैनल्स व्हिच कैन बी ओपन। देखिए, मैं ये समझता हूँ जाती तौर पे कि ये बहुत जरूरी है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर को अपनी हदूद का क्लियरली पता हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारे चैनल उसने खोल देने, लेकिन उसको पता हो कि मैंने जो प्लान किया है और मेरे साथ जो वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है वो ये हो सकता है कि एवरीबॉडी स्टार्ट टॉकिंग टू एवरीबॉडी, मैं इसको कंट्रोल कैसे करूंगा, इस सिचुएशन से कंट्रोल कैसे करूंगा, तो उसके हिसाब से वो तैयार होगा। जब वो एक स्टेक होल्डर कहेगा कि मैंने उससे फलाना मुझको ये बताया आकर, वो कहे सर आप क्या अजीब सी बात कर रहे हैं, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं बनता आपसे, आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो इस तरह अचीव हो रहे हैं, तो मतलब अननेसेसरी चैनल्स को वो रेजिस्ट करेगा और वो कन्वेंस करेगा स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर से उसकी जब नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन दे रहा है तो उसकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस में उसको स्पेसिफाई करना भी शामिल है। तो कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो डिटरमिन करने के लिए सिर्फ वो कम्युनिकेशन की जाए जो जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब जो कम्युनिकेशन
वो मांग रहा है कस्टमर और वो जनाब मैं नहीं देता, ऐसे कोई नहीं हो सकता। आपकी कोई मर्जी नहीं है, आप उसे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे और अगर आप कन्विंस नहीं कर सकते तो फिर आप ये इशू बन जाएगा, फिर आप इशू को एस्केलेट करेंगे अपने बॉस की तरफ। और अगर उसने कहा कि नहीं, जैसे इसको कहता है ये रिपोर्ट को मिलनी चाहिए और फलाने स्टेक होल्डर्स ये रिपोर्ट आनी चाहिए, तो फिर आप उसको वो इंतजाम करके देंगे, वो चैनल खोल के दें। अच्छा, एक आपको ये भी मैंने बताया कि एक आपके और मेरे दरमियान अगर एक चैनल है तो आप भले मुझे टेलीफोन करें, ईमेल करें, जो मर्जी करें, या फिजिकली आके मिल लें, या कोई हम जिस तरीके के साथ चाहें बात करें और जो मर्जी बात करें, भले पॉलिटिक्स डिस्कस करें, भले जो मर्जी करें, हमारी मर्जी, लेकिन लाजमी बात है कि हमारे रिलेशन जो एक दूसरे के साथ होते हैं उसमें हम हर किसी से हर किस्म की बात नहीं कर सकते या करना भी नहीं चाहते। अब जो लोग ऑफिशियली एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में कनेक्टेड हैं उनकी कम्युनिकेशन महदूद होनी चाहिए प्रोजेक्ट रिलेटेड रिलेशन के साथ, प्रोजेक्ट से रिलेटेड कम्युनिकेशन है। और फिर जो स्टेक होल्डर्स की नीड एंड एक्सपेक्टेशंस हैं उसके मुताबिक होनी चाहिए, ये थोड़ी के हालचाल पूछने के लिए कम्युनिकेशन हो रही है। हाँ, उसके लिए भी हम टाइम रखेंगे, उसके लिए हम इवेंट्स रखेंगे, हम पिकनिक्स रखेंगे, हम डिनर्स रखेंगे जिसमें हम तमाम स्टेक होल्डर्स को भी इकट्ठा कर सकते हैं, मौका देंगे हम इन्हें आपस में मिल बैठने का, लेकिन जो फॉर्मल इनके कनेक्टिविटीज होंगी वो डिफाइन होनी चाहिए कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान में कि जनाब ये रिपोर्ट है, ये फलाने स्टेक होल्डर की जरूरत थी और हमने ये रिपोर्ट फलाना बंदा जो है ये बनाएगा और इसको फलाने फलाने स्टेक होल्डर को दिया जा सकता है। हम उसे कंफर्म करेंगे कि सर ये एक रिपोर्ट बनी है, आपके भी इंटरेस्ट की हो सकती है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बताएं, आपको भी ये रिपोर्ट भेजें या ना भेजें, ठीक है जी। तो वो स्टेक होल्डर अपनी जरूरत के हिसाब से जिसको जरूरत होगी उसको देंगे। एक बात मैं पहले भी करता रहा हूं कि देयर इज नथिंग सीक्रेट इन अ प्रोजेक्ट अनटिल एंड अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, कोई कारपोरेट स्पॉइनेज का डर है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो वो बाकायदा जिसे कहते हैं नॉन डिस्क्लोजर एक्ट के तहत काम होता है और लोग फिर उसको जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं वो नॉन डिस्क्लोजर एक्ट साइन करते हैं कि हम जो डिस्कस यहाँ कर रहे हैं, जो भी बातें हमारी यहाँ होती हैं वो हम बाहर जाके नहीं करेंगे। खैर, दिस इज अ काइंड ऑफ अ चेक, बट स्टिल अगर कोई बिल्कुल ही गैर जरूरी कम्युनिकेशन कोई कह रहा है कि नहीं जी मैं उससे बात करना चाहता हूँ, तो वो उसको डिस्करेज करने की जरूरत है, जायज कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अब कम्युनिकेशन होगी कैसे कैसे, पहली बात तो ये कि क्या रिपोर्ट है ये बिल्कुल स्पेसिफाई कर लें कि जनाब आप दो बंदों के दरमियान कौन कौन सी कम्युनिकेशन अक्कर करेगी और कब कब करेगी, व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट। एक बंदा कहता है कि मुझे मंथली बताए कि कितने बंदे ये ठेकेदार से ले रहा है, ठीक है जी बता देते हैं आपको, तो उसको इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसे पूछ लें, कंफर्म कर लें सर इस इन्फॉर्मेशन के अलावा आपको क्या उन बंदों के नाम भी चाहिए, ठीक है जी, और क्या आपको ये वीकली रिपोर्ट आनी है तो वीकली आपको ये रिपोर्ट चाहिए या इसको हम कहीं फाइल कर लें और बाद में आप देख लेंगे। सो वट एवर द मैकेनिज्म इज एस्टेब्लिश वो आप बताते हैं कि जी ये रिपोर्ट होगी, ये बंदा इस और इस बंदे को देगा, ये इस फॉर्मेट में होगी और इसके अंदर लेवल ऑफ डिटेल इतना होगा, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें लिखा जाता है, कुछ चीजों में तफसील से लिखा जाता है, बताइए कि कितना लेवल ऑफ डिटेल होगा और मतलब ट्रांसपेरेंसी पते हुए आपने ये सारा कुछ डिजाइन करना है। ये हो गया जी, तो कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट जो है ये आप सारे स्टेक होल्डर से इंटरेक्ट करके वो डिजाइन कर लेते हैं और सिर्फ वो चैनल खोलते हैं जो जरूरी है, सारे चैनल नहीं खोलते। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि प्रोजेक्ट की लाइफ के दौरान प्रोजेक्ट की भी रिक्वायरमेंट्स बदलती रहती हैं और नए कम्युनिकेशन चैनल्स खोलने की जरूरत पड़ सकती है, नई रिपोर्ट्स बनाने की जरूरत पड़ सकती है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर कम्युनिकेशन की जब नीड्स के मुताबिक वो चेंज रिक्वेस्ट के थ्रू बाकायदा वो चैनल्स इन्वोक कर भी सकता है, प्लान में अमेंडमेंट भी कर सकता है, प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट अमेंड भी हो सकता है और उसमें वो चीज डाली भी जा सकती है, मगर ये बिल्कुल कंट्रोल्ड होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने कुछ कह दिया और आपने डाल दिया, ऐसे नहीं, प्रॉपर एनालिसिस प्रॉपर तरीके के साथ वो चीज होगी और आपको पता होना चाहिए ये क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में।
मतलब अ कॉपी ऑफ दिस कम्युनिकेशन वुड बी रिटेन्ड बाय द प्रोजेक्ट स्टाफ, राइट, उसको होल्ड करेंगे हम लोग टिल इट इज रिक्वायर्ड, वही जो लाइफ है उसकी डिस्पोजल से पहले पहले कितनी देर तक इस डाटे की जरूरत है, इस रिपोर्ट की जरूरत है, और जब इसकी जरूरत खत्म हो जाएगी तो हम मे बी उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अमूमन तो प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद जो इस तरह का ट्रांजेक्शनल डाटा है वो तो खत्म भी किया जा सकता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म लेसन लर्न टाइप चीज के चीजें हैं या फॉर्मेट्स हैं, कोई रिपोर्ट बनी हुई है या कोई क्या कहते हैं फॉर्म भरा हुआ है, तो वो चीजें ऐसी हैं जो बाद में रेफर करने की जरूरत पड़ सकती है, तो वो हम रिटेन कर लेंगे। एनीवेज तो ये प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैन प्लान में ये तमाम चीजें। कम्युनिकेशन मैन प्लान इज द प्रोसेस ऑफ डिवेलपिंग एन अप्रोप्रिएट अप्रोच एंड प्लान फॉर प्रोजेक्ट कम्युनिकेशंस बेस्ड ऑन स्टेक होल्डर्स इंफॉर्मेशन नीड्स एंड रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबल ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स। ये मद्देनजर रखिए इस बात को और इसको अप्लाई कीजिए। बाद में जब हम मैनेज करेंगे कम्युनिकेशन को, मैनेज हम करते हैं एग्जीक्यूशन के दौरान, याद रखिएगा कि जब एग्जीक्यूशन के दरमियान हम कम्युनिकेशन को मैनेज कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम ये इंश्योर कर रहे होते हैं कि आया कि वो कम्युनिकेशन जो कि होनी थी अक्कर हुई कि नहीं हुई। अब यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कम्युनिकेशन में अक्सर प्रोजेक्ट मैनेजर का दिमाग कुछ ज्यादा सातवें आसमान पे होता है, वो कहते हैं जी हमने स्केड्यूल बना के सबको बता दी उनके काम, अब हम सोने जा रहे हैं, अब हमें कोई तंग ना करे। भाई बात ये प्रोजेक्ट आपका है उनका नहीं है, आप लोग उनके सर पे बैठे होंगे तो वो चीजें करेंगे, नहीं तो वो चीजें इग्नोर कर देंगे। तो इंश्योर करना एग्जीक्यूशन के दौरान आपकी जिम्मेदारी है, आप देखें कौन सी कम्युनिकेशन अक्कर होने वाली है और उस बंदे को रिमाइंड कराएं कि तुमने फलाने फलाने को रिपोर्ट देनी है, क्या रिपोर्ट आपकी तैयार हो गई है, नहीं हुई है, मैं कोई हेल्प कर सकता हूं आपकी, इस तरीके के साथ उसको रिमाइंड कराने की जरूरत है, और जिनके पास रिपोर्ट जानी है उनके साथ। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि प्रोजेक्ट मैनेजर कम्युनिकेशन ही करता रहता है सारा सारा वक्त, और फिजिकली ऐसा कोई नहीं है कि वो जब हम कहना कि कलेक्शन, तो कलेक्शन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर ने नहीं जाना, लेकिन उसने इंश्योर करना है कि जिसने रिपोर्ट देनी थी उसने रिपोर्ट भेजने का बंदोबस्त कर दिया, क्या रिपोर्ट चल पड़ी, क्या मंजिल पे पहुंच गई, क्या उस बंदे ने रिसीव कर ली। तो मतलब यूं समझे कि ये चेक शीट टिक होती जा रही है कि हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल गुड, राइट। और जो ही कहीं पे गड़बड़ आए तो फौरी तौर पे प्रोजेक्ट मैनेजर इंटरवीन करता है और भूले हुए आदमी को याद कराता है कि भाईजान थोड़ी आज क्लास थी, आप कहाँ चले गए थे। तो इस तरीके के साथ वो जो कम्युनिकेशन अक्कर होनी है वो प्योरली अक्कर हो सके। और फिर उसके बाद उससे फायदा नुकसान क्या हुआ, ये कंट्रोल की बात है, ये मैनेज का काम नहीं है। मैनेज का काम सिर्फ ये है कि ये इंश्योर कर लेना कि जो चीज जब जहां जैसे होनी थी हुई है कि नहीं हुई है। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कलेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टोरिंग रिट्रीविंग एंड अल्टीमेट डिस्पोजल ऑफ प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान। जैसे जैसे कम्युनिकेशन प्लान ने कहा कि ये चीज इस तरह से होगी तो वो उसको वैसे करवाना और इंश्योर करना। मैं इंश्योर करने के हवाले से एक वो बड़ी मजेदार एग्जांपल है, तो मैंने शायद पहले भी आपको दी होगी, मैं कुछ बातें रिपीट कर जाता हूँ, आई डोंट नो। एक दफा एक मीटिंग थी जी, एक मिनिस्टर साहब आईटी के थे, उनके साथ मुलाकात थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप परसों आ जाए मेरे ऑफिस में। मैं कहा जी ठीक है। उन्होंने जाके अपने ऑफिस में तो अपनी सेक्रेटरी को बता दिया कि जनाब ये साहब ने आना है और इतने बजे, 11 बजे का टाइम था। तो उसने मुझे सेक्रेटरी ने फोन किया फौरन, सर आपको पता है आपकी मीटिंग है मिनिस्टर साहब से। मुझे बिल्कुल मुझे पता है, उन्होंने खुद मुझे बताया और 11 बजे का उन्होंने टाइम दिया। उनके जी बिल्कुल 11 बजे मीटिंग है, लेकिन बेहतर हो कि आप एक घंटा पहले अगर तशरीफ में है। अच्छा अब नाउ लुक एट इट व्हाट शी इज डूइंग, शी इज ट्राइंग टू इंश्योर, वही बात जो मैं आपसे कह रहा था, शी इज ट्राइंग टू इंश्योर कि मैं मीटिंग में वाकई मौजूद हूं, और उसको मतलब घंटा पहले ही यकीन हो जाए कि ये बंदा यहां बैठा हुआ है कहीं भागा नहीं है, ताकि उसे उस टाइम के ऊपर वो मीटिंग अक्कर कर सके। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब ये बात हो गई, मैंने कहा जी ठीक है जी, आई मेक मेड अ नोट ऑफ दैट एंड आई विल बी देयर। अगले दिन, जबकि अभी एक दिन बीच में बाकी था, अगले दिन मुझे एक बार फिर उसका फोन आया, सर आपको याद है ना आपने कल आना है।
बिल्कुल याद है, बिल्कुल सही तरह याद है। उससे अगले दिन सुबह मैं सो रहा था, उसका रिंग आया, सर अभी आप उठ गए होंगे, आपको पता है ना आज आपने आना है और ये है और वो है। मुझे जी बिल्कुल, मुझे बिल्कुल पता है। मतलब शी मेड श्योर कहीं ये सोता ना रह जाए, कहीं ये दरमियान में भूल ना जाए। फिर जनाब उसका फोन आया जब मैं गाड़ी में बैठ रहा था, सर अभी आपको चल पड़ना चाहिए वहां से। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल गाड़ी में बैठ रहा हूँ, चल रहा हूँ। फिर जनाब जब मैं बिल्कुल उनकी इमारत के पास पहुंच गया और उस वक्त उसका रिंग आया, सर अभी आपको पहुंच जाना चाहिए। तो मतलब कहने का ये है, ऐसे होती है कम्युनिकेशन इंश्योर। ये आपको लगेगा कि कुछ ओवरडू हो गया, ये कोई चीज ओवरडू नहीं हुई। शी डिड हर ड्यूटी ब्यूटीफुली, उसको जो काम दिया गया था उसने मुकम्मल तौर पे निभाया और कोई सवाल नहीं छोड़ा। बात यह कि ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप अपने से बड़े आदमी को या अपने से सीनियर आदमी को कैसे वक्त पे पहुंचाते हैं, कंट्रोल करते हैं। यू कांट रियली कंट्रोल इट, ठीक है ना जी। तो और एक आप लोअर रैंक पे बैठे हुए हैं और आप फिर भी इस तरीके के साथ अपना काम करना जानते हैं और समझते हैं, आप वो चीज इंश्योर कर रहे हैं। दिस इज मैनेज कम्युनिकेशन। सो जनाब जितनी कम्युनिकेशन अक्कर होनी है और जब जब अक्कर होनी है, प्रोजेक्ट मैनेजर भले अकेला करे या अपने साथ स्टाफ रखे जो ये काम उसकी मदद करे, मगर ये होगा तो इंश्योर होगा और इंश्योर होगा तो प्रोजेक्ट इंश्योर होगा। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना, सारे काम तो ये हो रहे हैं। कम्युनिकेशंस अगर सही अक्कर हो रही हैं तो आपको सब खबरें भी सही आ रही हैं कि ये हो गया, ये फलानी चीज यहां पहुंच गई। बाकी आपको सिर्फ एक ही चीज रहती है कि वो जो आपकी रिपोर्ट जो वर्क परफॉर्मेंस डेटे की है और उस पर आपने एनालिसिस करना है। लेकिन कम्युनिकेशन के हवाले से आपने बिल्कुल जबरदस्त कंट्रोल रखा। अच्छा जी, कंट्रोल क्या करता है? कंट्रोल कम्युनिकेशन, कंट्रोल कम्युनिकेशन का काम है पोस्टमार्टम करना। मैनेज कम्युनिकेशन में अगर कोई गड़बड़ रह जाए तो वो भी चेंज रिक्वेस्ट लॉन्च कर सकता है, और वो अगर कोई कम्युनिकेशन में गड़बड़ है या कोई अमेंडमेंट करने की रिक्वायरमेंट है वो वहां से मूव कर सकता है। लेकिन कंट्रोल कम्युनिकेशन क्या करता है, ये कम्युनिकेशन हो चुकी होगी तो उसे खबर आएगी कि हो गई है, वर्क परफॉर्मेंस डेटा आएगा जिससे उसे पता चलेगा कि कम्युनिकेशन वक्त पे अक्कर हुई है या नहीं हुई है। अगर कोई कम्युनिकेशन वक्त पे अक्कर नहीं हुई है तो फौरी तौर पे प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो ये असर्टन करेगा कि इस कम्युनिकेशन के अक्कर ना होने की वजह से व्हाट इज द डैमेज कॉज्ड एंड हाउ बेस्ट आई कैन फिक्स दिस डैमेज, कैन आई मेक अ चेंज रिक्वेस्ट एंड मेक अमेंडमेंट इन द सब्सिक्वेंट प्रोजेक्ट टू अकोमोडेट फॉर द डैमेज। तो ये देखें आप कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि कंट्रोल कम्युनिकेशन वाला एक तो ये कर, और फिर अगर कोई चेंज रिक्वेस्ट है तो वो मूव करेगा जिसकी अगेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अमेंड हो सकता है, सॉरी कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान अमेंड हो सकता है। सो द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग कम्युनिकेशन थ्रू आउट द एंटायर लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल टू इंश्योर इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ द प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर आर मेट। और यहाँ पर ये पोस्टमार्टम भी कर रहे हैं कि क्या सारे स्टेक होल्डर को सारी रिपोर्टें मिल गई हैं, नहीं मिली हैं तो उनको फिर कैसे स्पेसिफाई करना है। अब ये जो स्टेक होल्डर को स्पेसिफाई करने वाली बात है या उससे डील करने वाली बात है वो थोड़ा सा इससे एक स्टेज आगे चला जाता है, वो हम स्टेक होल्डर एंगेजमेंट का जो नॉलेज एरिया कल पढ़ेंगे उसमें हम उस एस्पेक्ट को ज्यादा हाईलाइट करेंगे। लेकिन ये तीन काम है। अच्छा अब जनाब जो कम्युनिकेशन हो रही है, अच्छा मेरा ख्याल है ब्रेक कर लीजिए आप लोग आधे 10 मिनट की, और 10 मिनट के बाद हम दोबारा मिलते हैं और फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। जी जनाब, लेट्स हैव ब्रेक।
जी जनाब, आई एम बैक, आर यू? प्लीज रेज हैंड्स जो लोग हैं बैठे हुए, मतलब जो बाकी बैठे हुए, आशिर हैं, फखर हैं, बाकी यासर मुनीर साहब क्या हाल है आपके? आप आजकल कम कम नजर आते हैं। यासर मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके चलें जी, मैं शुरू करता हूँ। हाँ तो बात हम कर रहे थे प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट की, ये डेफिनेशन हम पहले देख चुके हैं और हमने ये भी देख लिया कि प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन जो है वो क्रिटिकल लिंक प्रोवाइड करता है लोगों और इन्फॉर्मेशन के दरमियान, दैट आर नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। इधर क्योंकि हमारी प्रायोरिटी कम्युनिकेशन है, हम चाहते हैं कि जो भी कम्युनिकेट होना है वो पहले से डिफाइन हो जाए और उसके फॉर्मेट्स बन जाएं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता चल जाए सबको और उसको फिर हम इंश्योर करते रहेंगे। और ये वही बात कि प्रोजेक्ट मैनेजर का ज्यादातर टाइम इसके अंदर ही लगता है। अब जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर, ये जरा इंपॉर्टेंट चंद स्लाइड्स हैं, बाकी तो खैर वो ट्रेडिशनली जैसे चलता है वही है। कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं, गौर कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनल कम्युनिकेशन हो सकती है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो सकती है। इंटरनल कम्युनिकेशन वो है जो प्रोजेक्ट के अंदर होती है, एक्सटर्नल वो है जो प्रोजेक्ट से बाहर होती है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के साथ है वो भी एक्सटर्नल है, कस्टमर है, वेंडर है, कोई और है, तो वो सब कम्युनिकेशन जो है वो एक्सटर्नल है। पब्लिक के साथ भी कोई आपने लेटर लेटर लिखना है। एक और जाविया है इसे देखने का, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो ऑफिशियल, जो मतलब आपकी रिपोर्ट्स होती हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग होती हैं, ब्रीफिंग होती हैं, इस किस्म की चीजें फॉर्मल रिपोर्ट्स कहलाती हैं। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ईमेल आ गया, मीमोज आ गए, एडहॉक डिस्कशंस आ गई, बट दिस मे डिफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अभी इस वक्त तो हमारे क्या कहते हैं कोर्ट ने भी इसको लीगलाइज कर दिया है कि ईमेल इज अ फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ऑफिशियल जो आप ईमेल्स करते हैं वो फॉर्मल कानूनी तौर पे भी करार दे दी गई है, तो इसका मतलब है वो फॉर्मल हो गई। तो एनीवेज ये डिपेंड करता है क्या चीज फॉर्मल है क्या नहीं है। अब ये जो पोस्ट इट नोट्स वगैरह पे हम एक दूसरे को नोट लिख के भेजते हैं कि यार ये काम कर दो वो कर दो, दिस इज नॉट नॉट ये इनफॉर्मल है, ठीक है ना जी। मुझे याद है कि बेनजीर का जो पिछला दौर था उसके अंदर ये कार्रवाई हुई थी कि जब वो चली गई तो उन्होंने एक केस बनाया कि बेनजीर ने बहुत से लोगों को सिफारिशें करवा के रखवाया था एज अ प्राइम मिनिस्टर, मुख्तलिफ इदारों में बहुत से लोगों को रखाया था और उसके उन लोगों ने पोस्टेड नोट्स के ऊपर अदालत में पेश किया कि जी ये उसने अपनी ग्रीन इंक के अंदर अपने हाथ से साइन करके, साइन भी किए हुए थे, साइन करके उसने ऑर्डर दिया है कि जी ये इस बंदे को यहां लगा दिया जाए। उन्होंने कहा कि बात ये है कि इज इट अ फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये कोई खत था, उनका जी सिग्नेचर है, उनको सिग्नेचर होते रहे, लेकिन क्या उसने प्रॉपर फॉर्मल लेटर लिख के आपको कहा था? अगर चिट कही थी तो ये तो उससे आपने आपने आपसे उसने गुजारिश की है और अगर आप एंटरटेन कर रहे हैं तो आप खुद कसूरवार हैं, ठीक है जी। उसने तो शी अगर उसने आपसे करवाना होता ये काम तो वो डंडे के जोर पे करवा सकती थी, वो लेटर लिख सकती थी, तो इस तरह से वो केस रिजेक्ट हो गया। और ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि दीज आर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, या तो आप उसको कम्युनिकेशन को फॉर्मल का स्टेटस दे दें। अब जब हम एजाइल करते हैं तो एजाइल में बहुत सी ऐसी चीजें जो कि अदरवाइज फॉर्मल नहीं होती एजाइल में फॉर्मल हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर यही पोस्ट इट नोट जो है ये इन्हीं के ऊपर रिपोर्टें चल रही होती हैं सारी, क्योंकि वो जो ट्रेडिशनल फॉर्मल रिपोर्टिंग है वो होती ही नहीं है या बहुत ही कम हो जाती है, तो इस तरह से ज्यादातर रिपोर्टिंग हमारी मीमोस के ऊपर हो जाती है और पोस्टेड नोट्स के ऊपर हो जाती है, चार्ट्स के ऊपर हो जाती है, जो मतलब आपके बोर्ड्स लगे होते हैं दीवारों पे
उनके ऊपर हो जाती है, और ज्यादा से ज्यादा बात है कि आपने रिकॉर्ड करना है तो उन्हीं की चुने खेच के आप रिकॉर्ड कर लें। बाकी एडहॉक डिस्कशन हैं वो भी इनफॉर्मल में आती हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। वर्टिकल है अपने ऊपर वाले या अपने नीचे वाले से कम्युनिकेट करना, और हॉरिजॉन्टल है अपने बराबर के वालों पीयर्स लेवल से आप कम्युनिकेट करते हैं। फिर आ जाती थी ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल कम्युनिकेशन। वो कहते हैं ना जी, ये मतलब क्या वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है जी, ऑफ द रिकॉर्ड लिखा भी हुआ है, ऑफ द रिकॉर्ड मतलब आप किसी से कोई इंटरव्यू लेने जाते हैं तो वो जो कुछ वहां हो रहा है वो पब्लिक होता है, जो कुछ रिकॉर्ड हो रहा है पब्लिक होता है, दैट इज ऑफिशियल कम्युनिकेशन। न्यूज लेटर्स हैं, एनुअल रिपोर्ट्स हैं, इस तरह की चीजें। लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करे कि जी ये वाला पोर्शन जो है ये मेरी तरफ से इजाजत नहीं है कि आप इसको पब्लिक करें, तो वो ऑफ द रिकॉर्ड कहलाता है, ऑफ द रिकॉर्ड कम्युनिकेशन, दैट इज अनऑफिशियल कम्युनिकेशन। ये मतलब ये कि ये इन प्राइवेसी आप दो में कोई बात हुई है और इसको आपने इजाजत नहीं दी कि आप किसी से डिस्कस करें। ये हो गया जी। इसके बाद आगे आ जाइए, रिटर्न और ओरल के बारे में तो हम जानते ही हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन लेटर्स और खतों की सूरत में या किसी भी रिटर्न फॉर्मेट में हो सकती है, और ओरल जुबानी को कहते हैं। अब ये रिटर्न और ओरल में एक थोड़ी सी बात मैं यहाँ कहूंगा कि हमारे यहाँ ये स्किल काफी लैक करता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को भी नहीं आता, आता है, बहुत से लोग बहुत अच्छा जबरदस्त कम्युनिकेट करते हैं, बड़ा ऑफिस वर्क चलता है, सब कुछ होता है, लेकिन साथ साथ ये भी थोड़ी अफसोस की बात है कि अक्सर लोग हमारे ऑफिस में, उनको ना तो अंग्रेजी बोलनी आती है और ना लिखनी आती, ठीक है जी, और चूंकि वो खुद कमजोर होते हैं इस मामले में तो उनके लेटर कौन लिखता है? आप मुझे बताएं ऐसा अफसर जो लेटर अपने खुद ड्राफ्ट करता हो, बहुत कम लोग हैं जो अपने लेटर खुद ड्राफ्ट करते हैं, और ये सारे का सारा क्लैरिकल वर्क समझा जाता है, लेटर बना के ले आओ। भाई आप बड़े अफसर हो, अंग्रेजी आपकी ज्यादा सही है, उससे लेटर क्यों लिखवा रहे हो? तो खुद ड्राफ्ट भी नहीं करना आपने, चेक भी करने की अकल नहीं है, और कई लोगों को तो लैंग्वेज ही नहीं आती होती अंग्रेजी की, तो वो वाला सीन कि आखिर में सीन लिख देते हैं उसके नीचे, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो हमारे यहाँ इस तरह का प्रॉब्लम है, और ये चूंकि मैं यंगस्टर्स को भी और आपके जो मास्टर्स लेवल के लोगों को भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे इस बात का काफी इस बात का एहसास है कि आधे से ज्यादा लोग जो मास्टर लेवल पे पढ़ने आते हैं और मास्टर कर रहे हैं और मतलब ग्रेजुएशन करके आए हैं, पूरे एजुकेशन सिस्टम से निकल के आए हैं, दे कैनॉट स्पीक वन कंप्लीट सेंटेंस इन इंग्लिश, दे कैनॉट राइट वन करेक्ट सेंटेंस। तो मतलब ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ है क्या नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा ये जो आपके बड़े बड़े स्कूलों से भी पढ़े हुए बच्चे आते हैं, फ्रोबल श्रोबल, ये वो ड्रामा उनका भी अंदर से सेम ही है, उनको सिर्फ स्लैंग मारने आते हैं, एक्सेंट में बात करनी आती है, अंग्रेजी सही उनकी भी नहीं होती अक्सर की। तो ये एक बड़ा वो है कि आप अगर प्रोफेशनली किसी प्रोफेशन में, प्रोजेक्ट में या किसी भी काम में ऐसे में जा रहे हैं तो यू शुड हैव गुड कमांड ओवर लैंग्वेज, स्पेशली अगर आप किसी ऐसी कंपनी में जॉब करते हैं जो कि प्राइवेट है, और मतलब वो तो फिर नहीं आपको छोड़ेंगे, वो तो ऐसे काम नहीं चलेगा। और दूसरी बात ये कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आप जाया कर देते हैं, मतलब मार्केटिंग लेवल के ऊपर और दूसरे जो प्रेजेंटेशन और ये वो, उसमें कुछ स्किल चाहिए। तो रिटर्न और ओरल एक तो ये चीज ठीक होनी चाहिए। उससे एक स्टेप आगे चलते हैं, एक होती है जी वर्बल कम्युनिकेशन और एक होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अभी ओरल को मैं फर्दर बात कर रहा हूँ। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बात करने के दौरान आवाज का उतार चढ़ाव, ऊंच नीच, किसी जगह आपने एम्फसाइज करना है, कहीं आप लंबा खींचते हैं, कहीं आप जल्दी से बोल जाते हैं, ये असल में एक पूरा स्टाइल है इंगेज करने का अगली पार्टी। तो अगर आपको ये प्रेजेंटेशन स्टाइल है, पर ओरल तो चले अंग्रेजी उर्दू बोलनी आती है अलग बात है, प्रेजेंट करनी आती है, कैन यूज यू नो गिव अ टॉक, तो जो वॉइस इन्फ्लेक्शंस हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको समझना है कि मैंने कैसे दूसरे को इंगेज रखना है। मतलब अगर फर्ज करें कि अगले को आप नजर नहीं आ रहे, खाली आप आवाज फोन पे बात कर रहे हैं,
तो तब भी आप अपनी वॉइस इंटेक्शन के थ्रू अपना जितना बोल रहे हैं उससे ज्यादा मैसेज पहुंचा रहे हैं। और अब आप आ जाइए फेस टू फेस। फेस टू फेस एक और कमाल है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो एग्जिस्ट इन पैरेलल विद द वर्बल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर आपकी बॉडी बोलती है, आपका फेस बोलता है और आपके लिप्स तो खैर बोले ही बोले, कई बातें ऐसी हैं जो बगैर कहे कन्वे कर दी जाती हैं। लेकिन आप अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं फेस टू फेस किसी को, तो बहुत सारा मैसेज आपकी बॉडी लैंग्वेज से कन्वे हो रहा होता है। मैं अपने हाथों की मूवमेंट से, अब वो जो वॉइस इन्फ्लेक्शन से काम लेता हूं उसको सुपर इम्पोज मैं करता हूं अपनी बॉडी मूवमेंट से, अपना एंथुसिएज्म शो करता हूं, हाथ ऊपर नीचे उठाता हूं, पॉइंट करता हूं किसी चीज को। तो मतलब ये चीजें जो हैं उसमें एक तरह का वीडियो लिंक डाल देती हैं, उसके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा कर देती हैं। बॉडी लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। एक किताब है बॉडी लैंग्वेज बाय जूलियस फास्ट, वो जरूर शेयर करें। मुझे नहीं पता मैंने ये बातें पहले आपसे शायद की भी हों कभी, लेकिन बॉडी लैंग्वेज की किताब है जी जूलियस फास्ट की। वैसे तो आजकल तो बड़े लोगों ने लिख दी है, लेकिन जूलियस फास्ट वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने बॉडी लैंग्वेज पे बहुत पहले किताब लिखी थी। मैंने अपने मैट्रिक शैट्रिक में पढ़ी थी ये किताब, उससे भी पहले पढ़ी थी, मैट्रिक तो बहुत लेट हो गया। तो बॉडी लैंग्वेज इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, राइट। तो यहाँ पे आपको इस बात का पता होना चाहिए कि कौन किस तरह खड़ा है, उसका क्या मतलब है, मतलब वो आप बात जो सुन रहा है वो इंटरेस्ट से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। बहुत सी चीजें हैं इसके अंदर। मिसाल के तौर पर बाजू बांध के खड़े होते हैं हम, तो इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि दिस पर्सन इज सेइंग दैट आई एम वेरी डिफेंसिव एंड आई एम नॉट रियली इन्वॉल्व इन वट एवर यू आर टॉकिंग। He is not interested in what you are saying and he is being defensive. कि मैं कहीं इसको कहीं जवाब दूं इसको मैं या कोई ऐसा हिसाब किताब करूं, but he is not really interested in what you are saying. Similarly, जब आप दो लोग आपस में बैठे होते हैं और फर्ज करें एक ही सोफे पे आप लोग बैठे हुए हैं, तो अमूमन देखने में ये आया है कि दोनों एक दूसरे की तरफ टर्न करते हैं। This is a symbol of interacting. आप एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। जब एक दूसरे बिल्कुल फ्रंटल करके बैठा जाए तो इसका मतलब है कि यू आर फुली कमिटेड टू टॉक टू ईच अदर। अगर आप थोड़ा एंगल करके बैठते हैं तो इसका मतलब है कि जितना एंगल है उतना ही इंटरेस्टेड है, ठीक है ना जी। और दूसरी बात ये कि नॉर्मली व्हाट वी डू इज कि से आई एम सिटिंग ऑन राइट एंड यू आर सिटिंग ऑन लेफ्ट, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी दाई टांग अपनी बाई टांग पे रख लेता हूँ। इसका मतलब है कि आई एम इंक्लाइन टूवर्ड यू आर सेइंग समथिंग इंटरेस्टिंग और वो मेरे चेहरे से भी जाहिर होगा। असल में ये सुपर इम्पोज करता है मैसेजेस, आपकी आपका चेहरा, आपकी स्माइल, आपकी बॉडी मूवमेंट, आपकी टांगे, बाजू, ये सब सुपर इम्पोज करते हैं, तो एक ओवरऑल मैसेज बनता है या आई एम इंटरेस्टेड या आई एम रिजर्व, आई डोंट वांट टू लिसन टू यू, सो दैट काइंड ऑफ थिंग। और अगर कोई दूसरी तरफ टांग चढ़ा के बैठ जाए, मतलब किसी फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से नहीं, अदरवाइज विदाउट एनीथिंग, तो उसका मकसद ये होगा कि यार तू चुप कर यार, मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड व्हाटएवर यू आर सेइंग। तो आपने देखा होगा अक्सर लोग आप बात कर रहे होते हैं वो इधर उधर देख रहे हैं, दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं बीच में, तो उसका मतलब ये होता है तू चुप कर जा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सो ये जो बॉडी लैंग्वेज है ये बड़े मैसेज देती है, बहुत कुछ, बहुत हिडन मैसेजेस हैं जो आपको देती है। इट्स नो मतलब ये कोई वो नहीं है, कोई केमिस्ट्री की साइंस नहीं है, दिस इज बेसिकली अ फिजिकल साइंस। तो आप इसमें देख सकते हैं कि लोगों की साइकोलॉजी है ना जी बेसिकली। खैर फिर आ जाते हैं जी कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में काफी सारी चीजें हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है एक्टिव लिसनिंग। इसका जिक्र पहले हम कर चुके हैं, लिसनिंग एक्टिवली एंड इफेक्टिवली, ये दो अलग अलग चीजें हैं। पैसिव लिसनिंग तो पता ही है ना आपको, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, जैसे अक्सर सेशन में अक्सर लोग बैठे होते हैं वो सुन नहीं रहे होते, बस बैठे होते हैं। इवन फिजिकल क्लास में भी, मतलब ये बड़ा कॉमन सिनेरियो होता है कि बस ठीक है जी क्लास अटेंड करनी है, गर्दन हिलाते रहो, अगले को शो करते रहो कि मैं इंटरेस्टेड हूं, लेकिन बस काफी है। अगर आप चुप करके सुनते हैं इसका मतलब आप कुछ ग्रैस्प नहीं करते, या अगर करते हैं तो बहुत कम परसेंटेज आपने ग्रैस्प किया है। इफेक्टिव लिसनिंग भी हो सकती है अगर मतलब यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न एंड यू ट्राई टू यू नो
keep make notes or listen attentively. This is the listening attentively is basically you are trying to be more effective. Then you try to capture the whole message, but you can't. But you can't because you can't understand everything. That can only be done by active listening. Active listening is that you absorb as much as you can. Then you summarize whatever you have understood in a very brief summary. एक मतलब अगर 30 मिनट 40 मिनट की बात हो गई है तो आप उसको एक डेढ़ मिनट की समरी बनाए अपने जहन में और उसको एक सवाल या कंफर्मेशन के तौर पे फेंक दें उस्ताद के ऊपर कि सर आपका ये मतलब तो नहीं है या कोई क्लैरिफिकेशन ऐसी मांग ली जिसमें वो बात वाजे हो जाए. तो इससे दो तीन फायदे होंगे. नंबर एक फायदा तो ये है कि आपके उस्ताद को पता चलेगा मैं एक आदमी है जो मुझे सुन रहा है. नंबर दो वो आपको या कन्फर्म करेगा या रिफ्यूज करेगा. कंफर्म करेगा तो आपको पता चलेगा मैंने जो समझा सही समझा और आपके उस्ताद को भी अंदाजा होगा कि यार ये तो बंदा समझ गया. और अगर वो आपको करेक्ट करता है तो इसका मतलब है कि यार करेक्शन होगी. और ये तो है आपके फायदे. लोगों को क्या फायदा हो रहा है? वो बात उस्ताद ने करके निकल जाना था और जिसने नहीं सुनना था उसने नहीं सुनना था. उसको पता भी नहीं चलना था ये बात हुई है. लेकिन चूंकि आपने रोका, आपने सवाल बनाया, आपने पूछा, तो लोगों की अटेंशन तो आवाज चेंज होने की वजह से या आप स्टूडेंट के खड़े होने की वजह से उनको अटेंशन गई. एक ही कह रहे हैं, उसने आपको सुना लोगों ने और उसके बाद जनाब उस्ताद का जवाब जब आया तो उसको अब इस बार लोगों ने सुना. पहले शायद वो फ्लो में गुजर गया लेकिन अब उन्होंने सुना. उनका वो अच्छा ये बात थी तो कुछ ना कुछ इनको भी समझ आएगा. ये काम अगर एक सेशन में बहुत से लोग बैठे हुए हैं तो मैं ये नहीं कहता कि हर कोई ऐसा करे. अगर मैं समझता हूं कि चार से पांच लोग भी ये इंटरेक्टिविटी जारी रखें तो सारों का फाका होगा और सबसे ज्यादा फायदा उसको होगा जो ये काम कर रहा है. इसी चीज को कहते हैं क्वेश्चनिंग एंड प्रोबिंग आइडियाज. वो जो मैंने कहा ना कि क्वेश्चन पुट करें, क्वेश्चनिंग एंड प्रोबिंग आइडियाज एंड सिचुएशन टू इंश्योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. एजुकेटिंग टू इंक्रीज टीम्स नॉलेज सो दैट दे कैन बी मोर इफेक्टिव. फैक्ट फाइंडिंग टू आइडेंटिफाई और कंफर्म इंफॉर्मेशन. मैं नहीं किसी ने आपको र्यूमर आके बता दी और आपने कहा जी ठीक है, ऑलवेज उसको कंफर्म करें. सेटिंग एंड मैनेजिंग एक्सपेक्टेशन. ये स्टेक होल्डर के साथ भी हम इस बात को एम्फेसाइज करते हैं कि एक्सपेक्टेशन अगले की मैनेज करो. मतलब ये चलाकियां ना करो कि अच्छा सुन ली बात तो गर्दन भी हिलाई, गर्दन भी हिलाई सुन के चले गए. भाई आप कम से कम उस बंदे के साथ कंपैशनेटली बात करें, सुने उसकी बात समझें और उसको उसको बताएं कि आपकी ये एक्सपेक्टेशंस ठीक है, ये नहीं है, ये स्कोप से बाहर है, ऐसा है वैसा है. या अगर उसको टाइम नहीं दे सकते तो बाद में टाइम दें. Persuading a person, a team or an organization to perform an action. वही बात जो कह रहे थे कि लोगों को आपने लाइन पे लेके आना है कि अभी तुमने ये रिपोर्ट उसको देनी है, ये करना है, वो करना है. Motivating to provide encouragement or reassurance. कोचिंग टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड अचीविंग डिजायर्ड रिजल्ट. मतलब ये कि प्रोजेक्ट ज्यादा बड़ा है तो प्रोजेक्ट मैनेजर शायद ये कम्युनिकेशन की थोड़ी बहुत ही ट्रेनिंग भी देने को तैयार हो. और इसकी एक्सरसाइज भी की जाती है. मेरा मतलब है ये ट्रेनिंग जो हम कर रहे हैं, डिप्लोमा जो है, इसमें हम बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं करते और नहीं कर सकते. अगर आप एक्सक्लूसिवली कम्युनिकेशन का कोई कोर्स करें तो वो तो आपसे बकायदा रिहर्सल भी करवाएंगे, तकरीर भी करवाएंगे और आपसे डिस्कशन भी करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे. दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. रिजॉल्विंग कंफ्लिक्ट टू प्रिवेंट डिसरप्टिव इंपैक्ट्स. ये भी आपका काम है जी, कम्युनिकेशन ही के हवाले से. और आखिर में समराइजिंग, रीकैपिंग एंड आइडेंटिफाइंग द नेक्स्ट स्टेप्स. कोई भी मीटिंग खत्म हो तो एंड के ऊपर ये स्टेप जरूरी है. वी मस्ट समराइज, वी मस्ट रीकैप द होल थिंग एंड आइडेंटिफाई कि अगला हम क्या करने जा रहे हैं. ठीक है, तो ये बड़ा जरूरी है, बहुत जबरदस्त तरीके के साथ ये काम होना चाहिए. ये आपके तीनों प्रोसेस हैं जी, मैं एक एक करके इनको लेके चलता हूँ. पहले में बात तो वही है, सिंपल है. प्रोजेक्ट प्लान आएगा, स्टेक होल्डर रजिस्टर होगा, एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरर प्रोसेस एसेट्स होंगे. यहाँ आप क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं इस कम्युनिकेशन प्लान को बनाने के लिए? आपको कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस करना है थोरो. मतलब कोई कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट रह ना जाए, आपने मुकम्मल तौर पे एनकम्पस करनी है, उनका थोरो एनालिसिस करना है ताकि कम्युनिकेशन सारी की सारी एनकम्पस हो जाए.
कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी डिपेंड करता है व्हाट इज अवेलेबल, तो जो भी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और मोस्ट फिजिबल टेक्नोलॉजी हो वो आप इस्तेमाल कीजिए, नेचुरली वो फिजिबल भी हो। ऐसा ना हो कि आप कहेंगे जी वो बस गोल्ड रैपिंग में कम्युनिकेशन करनी है और पैसे आपको चार रहने नहीं है। कम्युनिकेशन मॉडल कौन सा आप इस्तेमाल कर रहे हैं या क्या बनाया है आपने, मेथड आपके पास कौन सा है, मीटिंग्स करें लोगों के साथ और कंफर्म करें कि ये सब कुछ आपने जो भी डिवाइस किया है ये सब कुछ समझ आ गया है और कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट्स वगैरह सही तरह से कैप्चर हो गई हैं। बल्कि जो भी आप कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं वो सबसे शेयर होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएंगे। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन हैं आपको ये देखना है, हु नीड्स द इंफॉर्मेशन, स्टेक होल्डर में से होगा ना कोई, हु नीड्स व्हाट इंफॉर्मेशन एंड हु इज ऑथराइज्ड टू एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, एक बात तो ये कि किसको चाहिए, किस से चाहिए और ये कहां रखी जाएगी और इसको कौन कौन देख सकेगा, when they will need this information, कब चाहिए, where the information should be stored, कहां रखनी है, किस फॉर्मेट में रखनी है स्टोरेज में, और इस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, कोई टाइम जोन बैरियर्स, लैंग्वेज के बैरियर्स या क्रॉस कल्चरल कंसिडरेशन तो नहीं है इसके बारे में। ये चंद कंसिडरेशन हैं, और भी हजार कंसिडरेशन हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है जी, ये कोई वीकली रिपोर्ट है या कोई मंथली रिपोर्ट है या वन टाइम रिपोर्ट है, ठीक है जी, इस तरह से, और उसकी इसकी डिटेल, लेवल ऑफ डिटेल क्या होगी, तो ये सारी चीजें आप इसमें कंसिडर करेंगे और ये बड़ा एलेबोरेट काम है और इसमें कोई सुस्ती करने की जरूरत नहीं है। और प्रॉब्लम यह है कि हम कम्युनिकेशन को प्लान नहीं करते, हम कहते हैं बस प्रोग्रेस रिपोर्टिंग ही कम्युनिकेशन है और यही सबसे शेयर कर दो, ये बहुत ज्यादा है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कुड बी ग्रीक फॉर समवन, एक आदमी को उसकी कक समझ नहीं आती, तो भाई आप पूछे भाई तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके मुताबिक उसको वो डाटा एक्सट्रैक्ट करके भेजें। बल्कि मैं तो यू कहूंगा कि भाई आजकल तो कंप्यूटर का दौर है, आप सॉफ्टवेयर ऐसे टेलर कर दें या ऐप जो बनी हुई है उनको ऐसे टेलर कर दें कि आपके बॉस को डाटा सब पड़ा हो कंप्यूटर के अंदर या क्लाउड के ऊपर, आपके बॉस को जिस शक्ल में डाटा देखना है उसको ऑटोमेटिकली वो उसी तरह कन्फिगर होकर नजर आएगा, उसको लोगों के नाम पते नजर नहीं आएंगे, उसको जो चीज जाननी है वो चीज उसको नजर आएगी। वो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है उस ऐप को डिवाइस करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए और उसको कन्फिगर करने के लिए, उसके बाद वो अपना काम करती रहेगी और आप अपना काम करते रहे, आपका बहुत सा जो तकलीफ है वो उससे कम हो जाती है। तो मतलब ये है कि जो स्टेक होल्डर होगा वो जब लॉग इन करेगा उसके अंदर, तो हर स्टेक होल्डर की नीड के मुताबिक जो जो रिपोर्ट उसको नजर आनी चाहिए वो नजर आ जाएगी, ठीक है जी। बल्कि उसको मैसेज भी आ जाएगा जनाब आपकी रिपोर्ट जो है कल आने वाली है, और ये भी आप ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स डाल सकते हैं, ठीक है, जिसने रिपोर्ट भेजनी है उसको भी रिमाइंडर चला जाए कि भाई मैंने कल फलानी रिपोर्ट भेज देनी है, ताकि वो उसका डाटा इकट्ठा कर ले। तो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम हो सकते हैं। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है जी, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एक बहुत बड़ा सोर्स है कि कौन किसको जवाब दे, क्या हिसाब किताब है, तो उससे आपको कुछ अंदाजा होता है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्टेक होल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, स्टेक होल्डर की क्या जिम्मेदारी है, प्रोजेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन की क्या जिम्मेदारी है, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, डिसिप्लिन डिपार्टमेंट एंड स्पेशलिटीज इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, लॉजिस्टिक और हाउ मेनी पर्सन विल बी इन्वॉल्व विद द प्रोजेक्ट एंड एट विच लोकेशन, कब कब कौन कौन कहाँ कहाँ होगा, तो मुझे बिल्कुल उनकी लोकेशन वाइज ज्योग्राफिकली पता हो कि कौन बंदा कहाँ है। इंटरनल इन्फॉर्मेशन नीड्स क्या है जी व्हेन कम्युनिकेटिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और एक्सटर्नल नीड्स क्या है व्हेन कम्युनिकेटिंग विद मीडिया, पब्लिक आर कॉन्ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा, और स्टेक होल्डर इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट फ्रॉम विद इन द स्टेक होल्डर रजिस्टर। यहाँ पे हम स्टेक होल्डर रजिस्टर को लेके आते हैं, बल्कि आपने देखा होगा स्टेक होल्डर रजिस्टर इस प्रोसेस का इनपुट भी था। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल की जाए, इस हवाले से हम ये देखते हैं कुछ फैक्टर्स को कि हमें ये जो कम्युनिकेशन करनी है इसकी अर्जेंसी क्या है। आपको याद होगा पुराने जमाने में जब ये सारा कंप्यूटर का सब ड्रामा नहीं होता था,
तो उस जमाने में जब कोई इमरजेंसी होती थी तो तार आया करती थी, और तार आने के बस दो ही मतलब समझे जाते थे हमें बचपन में, ये याद है कि या तो कोई मर गया है और या कोई बहुत खुशी की बात है, और ज्यादातर केसेस में ये मरने ही की खबर होती थी, हाल चाल नहीं पूछते थे उस जमाने में लोग। फिर हमने आगे चल के देखा कि लोगों ने उसमें वो हैप्पी एनिवर्सरी मैसेज का भी तार आना शुरू हो गया और बाकी चीजें इस तरह के ड्रामे भी शुरू हो गए, लेकिन बुनियादी तौर पे इट वॉज सो रेयर एंड सो एक्सपेंसिव उस वक्त के हिसाब से कि सिर्फ जरूरी चीज करें। एक एक वर्ड की कीमत होती थी, एक एक करेक्टर जो उसमें आप लगाते थे उसके पता नहीं कितने रुपए होते थे। उस जमाने में जब लोगों की तनख्वाह ही 100 रुपया होती थी तो 1 रुपए का एक वर्ड जा रहा है तो उसकी तो तनख्वाह लग गई ना। तो खैर एनीवेज, आप देखें आपकी अर्जेंसी है और आपका आज के दौर में कौन से मीन्स हैं विच इज द फास्टेस्ट मीन और कैसे उसे करना है, और फिर ये भी देखना है कि अर्जेंसी के अलावा उसकी सीक्रेसी क्या है। हो सकता है अर्जेंसी हो और आप कहें जी फास्टेस्ट कोरियर के जरिए मैं भिजवा देता हूँ या मैं फैक्स कर देता हूँ, बट हो सकता है वो फैक्स ना हो सकता हो, उसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो विच कैन नॉट बी सेंड बाय एनी ऑफ दीज मीन्स एंड इट कैन ओनली बी कम्युनिकेटेड फिजिकली फॉर योर आइज ओनली, फिर क्या करेंगे। तो आप अर्जेंसी की नीड को देखें, देर इज नो नीड टू अंडरस्टैंड टू कंसिडर द अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी एंड फॉर्मेट ऑफ द इन्फॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड एज दे मे वेरी फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो विद इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो सॉरी देर इज आर नीड, मैंने नो कह दिया। सो ये जरूरी है कि आप ये समझें कि कौन सी चीज की क्या अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी या फॉर्मेट है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वो रिपोर्ट कितनी मतलब वीकली जानी है, मंथली जानी है, डेली जानी है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका फॉर्मेट क्या है। फिर जो भी जिससे भी कम्युनिकेट करना है, जिस रास्ते से भी कम्युनिकेट करना है, वो टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल हो। तो कई दफा आपके पास होता है कि इंटरनेट रिलायबल नहीं है, या फॉर दैट मैटर जो लोग ऑयल रिग्स पे काम कर रहे होते हैं उनके पास इंटरनेट अव्वल तो होता नहीं है, या वो थ्राया वाला होता है सिस्टम, और वो होता ही इतना एक्सपेंसिव है कि उसके ऊपर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, इंटरनेट वगैरह पे नहीं जा सकते, तो वो बिल्कुल ही कटे हुए होते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो भी आपका काम है उसके मुताबिक आप देखें कौन सी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा सूटेबल है, कंपेटेबल है, अवेलेबल है, एक्सेसिबल है टू ऑल दी स्टेक होल्डर। तो क्योंकि आपने कम्युनिकेट स्टेक होल्डर के साथ करना है, तो स्टेक होल्डर के साथ अगर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो ये हमें पहले से इसको देखना होगा। फिर जनाब ईज ऑफ यूज, आसानी किसमें ज्यादा है। देयर इज नो नीड टू इंश्योर दैट द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज सूटेबल फॉर प्रोजेक्ट पार्टिसिपेंट एंड दैट appropriate training events are planned for where appropriate. Project environment ko dekhen, there is a need to determine if the team will meet and operate on a face to face. Ye to hum virtual mein usme karte hain, sorry kya naam hai, agile mein karte hain. Wo kehta hai ki co-locate karo, face to face baitho aur team aise hi kaam karegi, lekin agar majboori hai, agar aap log multicultural hain aur apart hain to fir aap dusre tarike istemal kare jo वर्चुअल एनवायरनमेंट के तरीके हैं, और उसके अंदर भी प्रेफर्ड है कि वेब कैम को इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ वेब कैम भी नहीं चलता, फिर आप दूसरी ऑप्शंस के ऊपर आ जाते हैं। वेदर दे विल बी लोकेटेड इन वन आर मल्टी टाइम जोन, तो टाइम जोन का भी ख्याल रखना पड़ता है। अब वो एक मीटिंग है जो हमें करने के लिए ऑस्ट्रेलिया वाले बंदे के 2 बजे होते हैं, हमने बड़ी कोशिश की कि हम थोड़ा लेट कर लें और वो कोई हिसाब किताब कर लें, लेकिन वो अमरीका वाले का, कैनेडा वाले का, ऑस्ट्रेलिया वाले का और पाकिस्तान वाले का टाइम ही नहीं मिलता, बहुत ही फर्क है। हम लोग कुछ रात को कर रहे हैं, वो रात को 2 बजे से बैठना पड़ता है, और बाकी लोग जो है उनका अमरीका कैनेडा वालों का तो दिन होता है। तो ये इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। वेदर दे विल यूज मल्टीपल लैंग्वेजेस फॉर कम्युनिकेशन, अगर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं तो ट्रांसलेशन का बंदोबस्त करना पड़ेगा। एंड फाइनली वेदर देर आर एनी अदर प्रोजेक्ट एनवायरमेंट फैक्टर सच एज कल्चर विच मे अफेक्ट द कम्युनिकेशन। अच्छा एक चीज आप ये देखिएगा कि वक्त के गुजरने के साथ काफी सारी आसानियां पैदा होती जा रही। देखिए पहले कभी आप कहते थे कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी है तो पता चलता था कि सिर्फ पीटीसीएल वालों के पास एक फैसिलिटी है जहां पे आप बैठ के कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है जी। उससे पहले ये भी मुमकिन नहीं था। फिर आप देखिए, अब आपको हर घर में आपको ये फैसिलिटी है, स्काइप फोन के ऊपर आपको अवेलेबल है। तो कहने का मकसद है कि थिंग्स आर गेटिंग इजियर, बट थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ लोगों को समझ नहीं आती। तो प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट चेंज हो रही है उसके हिसाब से। फिर वो सेंसिटिविटी और कॉन्फिडेंशियलिटी की मैंने बात की, हो सकता है द
there is a need to determine if the information to be communicated is sensitive or confidential and whether or not additional security measures need to be taken. Also, the most appropriate way to communicate the information should be considered. वैसे तो कंप्यूटर के ऊपर कम्युनिकेशन बड़ी सिक्योर जा सकती है, मतलब इसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की सिक्योरिटी है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि इवन पाकिस्तान में यहाँ पे इन्होंने जहां जहां भी आपकी कम्युनिकेशन आके लैंड करती है वहां पे इंटेलिजेंस वालों ने वो उसका डिकोडर लगाया हुआ है, तो मतलब वो आपकी प्राइवेसी तो खत्म हो जाती है, तो अगर कोई सीक्रेट बात है कोई ऐसी चीज है तो वो तो बड़ा गर्क हो गया उसका। तो मेरा ख्याल है कि वो खुद भी इसके थ्रू कम्युनिकेट करना कभी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो लीक होने का चांस तो बन गया ना, भले जितनी मर्जी डिकोडिंग आपने एनकोडिंग की हुई है। फिर जनाब जो कम्युनिकेशन के मॉडल्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल बेसिक मॉडल मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपसे बात करनी है, मैंने कुछ कम्युनिकेट करना है, तो अब बात यह है कि एक तो मेरे अंदर का सिस्टम है, ठीक है ना, एक तो मेरे अंदर का सिस्टम है जो मेरा यू समझ लीजिए असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, मेरा दिमाग कैसे सोचता है, मेरा नर्वस सिस्टम किस तरह उसको ट्रांसमिट करता है, दैट ट्रस्ट मी दैट इज नॉट इन इंग्लिश और उर्दू। वो ट्रांसमिशन अगर इंग्लिश उर्दू में होती तो वो कभी भी ना पहुंचती, रीजन बीइंग कि वो जो नर्वस सिस्टम के अंदर जिस तरह से वायरिंग हुई हुई है और जिस तेजी के साथ आइडियाज फ्लैश करते हैं वो बोले नहीं जा सकते, राइट। तो आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत तेज तेज बोलते हैं, वो क्यों ऐसा बोलते हैं, उसकी वजह ये होती है कि उनकी उनको ख्यालात तेजी से आ रहे होते हैं और वो सारे ख्यालात बोलना चाह रहे होते हैं, उनसे वो उसको कैचअप नहीं कर पा रहे होते, इसलिए कुछ लोग बहुत तेजी से बोलते हैं, उनका दिमाग जो होता है वो ओवर ड्राइव में चल रहा होता है। खैर, जो भी मैंने बोलना है, जो भी मैं अपना मुद्दा बयान करना चाहता हूँ उसको मुझे अपनी उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा अपने दिमाग के अंदर जिसमें बोलना है, और फिर उसकी अदायगी होगी। तो एनकोडिंग है कि उस ख्याल को लफ्जों में डालना, थॉट्स और आइडियाज आर ट्रांसलेटेड इनटू लैंग्वेज बाय द सेंडर, देन उसको मुंह से अदा करना, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज। दिस इंफॉर्मेशन इज देन सेंट बाय अ सेंडर यूजिंग कम्युनिकेशन चैनल। अब आप मेरे सामने बैठे हुए फर्क करें तो मैं मुंह से अदा करता हूँ और मेरा जो मीडियम है, वो जो सेंडर है, जो कोरियर है मेरा, वो ये फजा है, ठीक है जी। इन अदर केसेस हो सकता है कोरियर लेके जा रहा हो या व्हाटएवर, मगर ये हवा है या फजा है, इसके अंदर से मेरी आवाज ट्रेवल करती हुई आप तक पहुंचेगी। अब जब ये पहुंचेगी तो इस हवा या फजा में जो कुछ इर्द गिर्द के माहौल में नॉइज है वो भी इंडक्ट हो जाएगी। जो इसका मतलब है कि नॉइज होने की वजह से आपको हो सकता है मेरा मैसेज पूरी तरह से कैप्चर ना हो, मतलब ये कि द मैसेज प्लस नॉइज मे बी कैप्चर्ड। यहाँ पे एक चीज और भी सोचनी है कि जो डिकोड करने वाला है, सुनने वाला है, वो किस स्टेट ऑफ माइंड में बैठा हुआ है। फर्ज करें वो कोई और बात सोच रहा था और मैंने ये बात कर दी, तो वो उस बात को उस तरह नहीं समझेगा जैसे मैंने अदा की, वो उसको उस तरह समझेगा जैसे वो सोच रहा था। वो कहते हैं ना कि यू लिसन वट यू वॉन्टेड टू लिसन, ठीक है जी, बात मैंने कुछ और की है लेकिन वो कुछ और सोच रहा था, तो वो कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, वो जो सुनना चाहता था उसने उसका जवाब दे दिया, उसने मेरी बात को शायद खातर में नहीं लाया। तो ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डिकोडर जो है वो आपका मैसेज कैप्चर कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो वो जनाब उसको जो भी उसको पोल्यूटेड मैसेज मिलता है या डिस्टॉर्टेड मैसेज मिलता है, नॉइजी मैसेज मिलता है, वो उसको समझने की कोशिश करता है, ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ इट। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कि हाउ टू मेक सेंस आउट ऑफ द वर्ड्स। आपको इस बात का पता होता है कि कभी कभी हम नॉइज में बैठे बात कर रहे होते हैं, बड़ी क्या कहते हैं, गहरी गप हो रही होती है हमारी, और होटल में बैठे हुए शोर शराबा चारों तरफ, बट वी आर कम्युनिकेटिंग। हाउ इज इट पॉसिबल कि इतनी नॉइज में हम कंटिन्यूड वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मे बी हम अपनी आवाजें कुछ ऊंची कर लेते हैं, उनकी टोन ऐसी बना लेते हैं कि जो हमें समझ आती है, लेकिन एक बात गौर कीजिएगा कि कभी कभी जब हम बात करते हैं ना, हम एक दूसरे की तरफ देख के बात करते हैं, हम दूसरी तरफ मुंह करके बात नहीं करते, और अनोइंगली वी आर साइमल्टेनियसली लिप रीडिंग। मुझे पता लग गया है आप क्या कह रहे हैं,
तो अगला लफ्ज आपके मुंह से क्या अदा होना चाहिए, अगर वो ना भी सुनाई दे तो मैं आपके लिप की मूवमेंट से लफ्ज वो फिट कर दूंगा। तो डीकोडिंग में ये काम भी हो जाता है, ठीक है जी। और कुछ लोग जो कॉन्शियसली इसमें बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो तो आपकी आवाज सुने बगैर आपकी सारी बातें बोल सकते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। अगर आप कहीं दूर खड़े हुए कुछ बोल रहे हैं और आपके लिप्स हिल रहे हैं तो उसी को देख के बता सकते हैं कि आपने क्या कहा है। Although this skill is very rare और हम आमतौर पे मेरे आप में ये चीजें नहीं होंगी। खैर anyway, जो जिसने सुना और जिसने उसको डिकोड किया, मैसेज उसको जब रिसीव हो गया तो उसने उसको एक्नॉलेज किया। अपॉन रिसीट ऑफ मैसेज उसने कहा जी हाँ ठीक है समझ आ गई। तो जो भी उसने वर्बली या इशारा करके जैसे भी उसने एक्नॉलेज कर दिया, उसके बाद फिर वो सोचेगा, देन ही वुड रिस्पॉन्ड और गिव यू अ फीडबैक। दिस इज अनदर पार्ट, एक एक्नॉलेज है कि मैसेज पहुंच गया और फीडबैक का मतलब है कि मैंने जवाब दे रहा हूँ या रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। और फिर वो भी इसी साइकिल से गुजरेगा, फिर एक इनकोडिंग होगी, फिर वही ट्रांसमिशन होगी, फिर मेरे तक पहुंचेगा, मैं डिकोड करूंगा, इसे एक्नॉलेज करूंगा, एंड सो हमारी कम्युनिकेशन। तो लेकिन आप देखें कुदरत ने कितना मजेदार सिस्टम बनाया है कि ये सब कुछ हो रहा होता है दो इंसानों के दरमियान, लेकिन कोई इतना लंबा चौड़ा इसमें प्रोसेस नहीं है। कंप्यूटर करे तो कंप्यूटर की मत मारी जाती है, उसको जनाब $6 मिलियन की मशीन बनाना पड़ता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली, फिर कहीं जाके वो इस काबिल होता है। और जहां इंसान जो है हर पता नहीं एक मिनट में कितना इंसान पैदा होता है, और वो कुदरती सुपर कंप्यूटर है सारे के सारे। तो ये जनाब ये कम्युनिकेशन का मॉडल है। आपने कम्युनिकेट किया, ट्रांसमिट हुआ, नॉइज आई, बीच में डिकोड, उन्होंने डिकोड किया, उसने एक्नॉलेज किया, फिर नॉइज आई, फिर आपने डिकोड किया, उसके बाद फिर उसने दोबारा अपने मैसेज की फीडबैक दी, इसी तरह से ये सारा। तो ये मीडियम बीच में है, इनकोडर है और डिकोडर है। ये तो है एक सिंपल कम्युनिकेशन बेसिक मॉडल है, मगर इस कम्युनिकेशन मॉडल को आप थोड़ा और कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल है कि कम्युनिकेशन जितनी भी होंगी कोरियर के थ्रू होंगी, हमने TCS वाले के साथ करनी है, वही लेके जाएगा सारी डाक। चले जी ठीक हो गया, कोई बंदा डायरेक्टली कोई कम्युनिकेट नहीं करेगा, फाइन वेरी गुड। इसका मतलब है कि एक ट्रे लेके बंदा आएगा रोजाना और जितनी डाक होगी वो इकट्ठी करके ले जाएगा, और जो डाक मेरे नाम की आई होगी वो मेरे टेबल पे छोड़ जाएगा। ये काम आपने देखा होगा इंग्लिश मूवीज के अंदर भी इसी तरह से काम होता है। तो ये भी एक कम्युनिकेशन मॉडल है, ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये हुआ कि हर ऑर्गेनाइजेशन में और हर प्रोजेक्ट में आप अपनी नीड्स के मुताबिक अपना कम्युनिकेशन मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप एजाइल में चले जाएं, एजाइल का कम्युनिकेशन मॉडल ही डिफरेंट है। वो कहता है कि जी बोलो, मुंह से बोल के कम्युनिकेट करो जो कुछ करना है, कम अज कम डॉक्यूमेंटेशन और ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन, ठीक है जी। और दूसरी बात है कि विजुअली कम्युनिकेट करो, मतलब चीजें पोस्टर्स पे, दीवारों पे, चार्ट्स पे लगा दो, बजाय इसके कि आपको क्या कहते हैं लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट बनाए। तो इस तरीके के साथ थोड़ा वे ऑफ वर्किंग तब्दील हो जाता है। कम्युनिकेशन मेथड्स में हमारे पास इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन है, पुश है और पुल है। बड़ी सिंपल सी बात है, वैसे समझ आ जाएगी आपको बड़ी आसानी के साथ। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, मैं बोल रहा हूँ आप जवाब दे रहे हैं। इस वक्त हम इंटरेक्टिव नहीं है, इस वक्त हम वन वे कम्युनिकेशन है। जब आप मेरे से बातें कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम इंटरेक्टिव होते हैं, मैं कुछ कहता हूँ आप जवाब देते हैं, फिर मैं उस जवाब से कोई बात निकालता हूँ। तो ये बिटवीन टू और मोर पार्टीज परफॉर्मिंग अ मल्टी डायरेक्शनल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज अ मोस्ट एफिशिएंट वे टू इंश्योर अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बाय ऑल पार्टिसिपेंट ऑन स्पेसिफाइड टॉपिक। खैर एनीवेज इंटरेक्टिविटी के हवाले से मेरा ख्याल है कि वो हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं, ज्यादा अक्लमंद लोग और पढ़े लिखे लोग हैं, हमें कोई इसमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद हमारे सामने जो रोल मॉडल्स हैं वो ऐसी पैथेटिक परफॉर्मेंस देते हैं। आपको रोजाना टीवी के अंदर जो टीवी शोज के ऊपर इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन नजर आती है, वो आदमी अपना सर पकड़ के बैठ जाता है कि यार इन लोगों को इतनी तमीज नहीं है कि जब दूसरा बोल रहा होता है तो बीच में नहीं बोलते, अपनी बारी का इंतजार करते हैं, कोई और हिसाब किताब। तो उधर वहां पे उन्होंने उसका जनाजा निकाला हुआ है। और देखें बात यह कि आपकी नस्लें इफेक्ट हो रही हैं इन चीजों से। आप नहीं समझते हाँ ठीक है जी कोई बात नहीं, होता है, हो रहा है, आपका बच्चा भी आपको रोक के बीच में इंटरप्ट करके बात करेगा, और उसके लिए ये नॉर्म है क्योंकि उसने पैदाइश से यही देखा है। आप तो कुछ थोड़े अपने जमाने के नॉर्म लेके चल रहे हैं ना, इनको कौन नॉर्म देगा? इनको आपने वो इंडियन फिल्में दिखा के वो हिंदी लैंग्वेज सिखा दी है, ठीक है जी। एक वो कोई एक स्वीपर था, वो कहता जी वो टीवी का तो बड़ा फायदा है। क्यों जी?
वो इसलिए कि वो हमारे बच्चे अंग्रेजी बोलने लगे, मतलब वो टुट्टी पज्जी अंग्रेजी ये वो कार्टून देख दाग के वो बोलने लगे, लेकिन आपको पता खुद कोई नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। मेरा मतलब ठीक है चीज के फायदे हैं, लेकिन कोई तरीके के साथ उसको लेके चलना चाहिए। तो इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन की कोई तमीज होती है, कोई तरीका होता है जिस तरह उसको इस्तेमाल किया जाए। तो लाजमी बात है कि वो आप पढ़े लिखे लोग जिस तरह बात करते हैं और एक दूसरे को पैम्पर करके और प्रॉपर तरीके के साथ कि जी ठीक है आपका पॉइंट, उसको एक्नॉलेज करें, उसके बाद फिर आप अपना पॉइंट दें, जो डिफर करना है उसको माजरत के साथ आप डिफर करें, व्हाटएवर। फिर जो पुश कम्युनिकेशन है और पुल कम्युनिकेशन है, पुश का मतलब है मैंने आपको खत अरसाल कर दिया है, अब आप जाने और आपका काम, मतलब मैंने चीज भेज दी है, मेरे हाथ से निकल गई है और आप जाके अपनी ईमेल चेक करें या अपना पोस्ट बॉक्स चेक करें और वहां से जाके कम्युनिकेशन, ये मैंने पुश कर दिया कम्युनिकेशन। तो इसको इसमें लेटर्स हैं और मीमोज हैं, रिपोर्ट्स हैं, ईमेल्स हैं, ये सब कुछ इस कैटेगरी में आता है कि पुश कम्युनिकेशन, जो मैंने आप तक भेज दिया। पुल का क्या मतलब है कि मैंने आपको नहीं भेजा बल्कि एक ऐसी जगह पे उस इंफॉर्मेशन को रख दिया है जिसका मुझे पता है कि हम दोनों को पता है कि यहां पे हम रख दिया करेंगे और दूसरा बंदे के पास जब फुर्सत होगी यहां से उठा के ले जाएगा। जैसे बुलेटिन बोर्ड्स होते हैं, नोटिस बोर्ड्स होते हैं, आपकी कोई चीज गुम हो जाती है तो आप क्या करते हैं वहां पे लगा देते हैं, नोटिस लगा देते हैं, जो जो वो नोटिस पड़ता है मतलब नीड बेसिस के ऊपर, ठीक है जी, तो वो वहां से उसे पता चलता जाता है। तो ये नोटिस बोर्ड या बुलेटिन बोर्ड लगाने वाली बात होगी, दिस इज पुल कम्युनिकेशन, कि आपने इंफॉर्मेशन वहां रख दी है, जो पुल करना चाहता है पुल कर ले, बाकी तो मर्जी, ठीक है जी। ये जो ये फोन था, क्या नाम था इसका, ब्लैकबेरी वाला, उसका यही चक्कर था कि वो पुल कम्युनिकेशन करता था। तो आम फोन है जितने भी हमारे पास सिस्टम्स हैं, ये पुश कम्युनिकेशन करते हैं। पुश का मतलब ये है कि ये ईमेल भेज देते हैं आगे, फिर वो जाने और उसका काम। पुल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि एज सून एज आपकी ईमेल रिसीव होगी आपके सर्वर को, वो सर्वर खुद फोन को कम्युनिकेट करेगा कि उठा लो, और आपका फोन वो खुद उस वक्त वो कम्युनिकेशन उसी वक्त एन उस वक्त उठा के लाएगा, मतलब एज सून एज द कम्युनिकेशन द सॉरी जो जो भी मैसेज है या ईमेल है इज डिलीवर्ड, मोमेंटरीली वो आपको मिल जाएगी फौरन, क्योंकि आपका सिस्टम ने पुल कर लिया। आई होप कि ये मॉडल्स जो कम्युनिकेशन के हैं ये आपको समझ आए होंगे, इसको हम आम लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं। फिर जो हमने वो बातें की कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट ये वो, तो उनका फ्रेमवर्क भी तो बनाना होगा ना, उनका स्ट्रक्चर भी तो बनाना होगा, तो ये भी कम्युनिकेशन मैन प्लान का हिस्सा है कि कलेक्शन का क्या मैकेनिज्म होगा, फाइलिंग का क्या मैकेनिज्म होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन किससे कब कैसे फ्लो क्या होगा, कौन किसको देगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन में फिर वही बातें जो हमने पहले भी कहा कि जनाब फॉर्मेट क्या है, कंटेंट क्या है, लेवल ऑफ डिटेल क्या है, कन्वेंशंस कौन सी इस्तेमाल की गई हैं, कॉमन डेफिनेशंस क्या हैं। प्रोडक्शन स्केड्यूल में शो ईच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कब कब प्रोड्यूस होनी है, कौन सी कम्युनिकेशन कब कब प्रोड्यूस होनी है, ठीक है ना जी, ये हफ्ते के हफ्ते होनी है, ये महीने के महीने होनी है, फ्रीक्वेंसी कह लीजिए आप इसको। मेथड फॉर एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन, कि मतलब फर्ज करें एक आर्काइव में कंप्यूटर में पड़ा हुआ है तो कौन कौन लोग हैं जिनको इजाजत है उसको एक्सेस करने की, वो बकायदा अपने लॉगिन से जाएंगे तभी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हर किसी को नहीं मिल सकती, ये दैट काइंड ऑफ थिंग। तो या फिर अगर से फाइलिंग सिस्टम है और आपके फिजिकल अलमारियों में पड़ा हुआ है तो फिर जनाब उस अलमारियों को एक्सेस करने की किसको इजाजत है, क्या हर कोई उस कमरे में जाके अलमारियों से चीजें निकाल सकता है या कोई परमिशन लेनी पड़ती है या कोई लोगों को इजाजत मिली हुई है स्टैंडर्ड कि यही लोग हैं जिनके पास ये कार्ड लगा हुआ उनको एक्सेस दी जाएगी। इसी तरह मेथड ऑफ अपडेटिंग एंड रिफाइनिंग द कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। तो ये हैं जी वो सब बहुत सी चीजें जो कम्युनिकेशन प्लान में हमने की, और यहाँ आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन प्लान में ये चीजें ये हेडिंग्स या ये कॉन्टेंट होना चाहिए। स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट वहां नोटेड हो, इन्फॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड इंक्लूडिंग उसकी लैंग्वेज क्या होगी, फॉर्मेट क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, लेवल ऑफ डिटेल, रीजन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई हो, टाइम फ्रेम कितनी देर में ये पहुंचनी है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेटिंग द इन्फॉर्मेशन, पर्सन रिस्पॉन्सिबल ऑथोराइजिंग रिलीज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन,
person or group who will receive the information. Method or technologies used to convey the information, such as memo, mail, whatever. Resource allocated for communication activities. अगर कोई आपने अलग से बंदा रखा उसके लिए time और budget भी रखना पड़ेगा. Escalation process identifying time frames and the management chain. Method for updating and refining the communication management plan as the project progresses and develops. Glossary of common terminologies. मतलब अमूमन एक ही organization में जब communication होती है तो उनको उसके अंदर एक वो terminology बना लेते हैं. फौज ने अपनी एक terminology बनाई हुई है. जो इंटरनल जितनी कम्युनिकेशन फौज में होती है हर फौजी को वो जुबान आती है, उसको कहते हैं SD, ठीक है जी, स्टाफ ड्यूटी. तो वो मुखफ्फफ किस चीज का क्या बनाया हुआ है, अपने अपने बनाए हुए उन्होंने, और वो मतलब हर फौजी को पता है कि इसका ये मतलब है. तो वो जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो शॉर्ट वर्ड्स में अपने वो शॉर्ट हैंड टाइप लैंग्वेज बनाई हुई है तो उसमें वो कम्युनिकेट करते हैं. लेकिन जब उन्होंने कोई खत बाहर लिखना होता है तो फिर वो लाजमी बात है कि प्रॉपर पूरी इंग्लिश में लिखते हैं. तो फ्लो चार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो इन द प्रोजेक्ट वर्क फ्लोज. फिर जनाब कम्युनिकेशन कंस्ट्रेंट्स अगर कोई है, यूजुअली डिराइव फ्रॉम स्पेसिफिक लेजिस्लेशन और रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज, वो तमाम चीजें. तो मतलब आप जब कम्युनिकेशन प्लान बना रहे हैं तो कम्युनिकेशन प्लान बना रहे हैं, फिर पूरा कमिट होके आप एक बहुत आला मुफसिल और ऑल एनकम्पसिंग किस्म का कम्युनिकेशन प्लान बनाएंगे. अब आप करें जनाब कम्युनिकेशन को मैनेज. अब आप एग्जीक्यूशन में आ गए हैं, आप कम्युनिकेशन अकर हो रही है, और जैसे मैंने आपको बताया था आपका काम है इंश्योर करना, लोगों को उनकी ड्यूटीज पता है लेकिन उनको रिमाइंड कराना, इंश्योर करना कि सारी कम्युनिकेशन जो जो जब जब होनी है वो अकर करें. तो मैनेज कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, कलेक्टिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, वो सब कुछ. द की बेनिफिट ऑफ दिस प्रोसेस इज दैट इट इनेबल्स एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अब ये आप कैसे करेंगे, ये तभी करेंगे ना जब इंश्योर करेंगे. फ्लो बिटवीन प्रोजेक्ट, जिसने जिसको जो कम्युनिकेशन करनी है वो आपकी नजरों के आंखों के सामने होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कम्युनिकेशन हो गई है या नहीं हुई है, उनको रिमाइंड कराना, पहले देखना बाद में देखना. तो मतलब आप मुसलसल नजर रखें, ये आपकी ड्यूटी है. और अगर आप ये समझते हैं कि मैं अकेला ये काम नहीं संभाल सकता तो चार बंदे रख लें भाई अपने साथ, लेकिन ये काम करना है. तो इसमें जो इनपुट्स हैं वही कम्युनिकेशन प्लान है. वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स जो है ये हमारे लिए बड़ी सूझमंद है. ये रिपोर्ट कहाँ से आई, आपको याद होगा कि ये मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल से आ रही है. वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट हमें गाइड करेगी कि कौन सी कम्युनिकेशन रिपोर्ट लाजमी बात है कि ये क्या कम्युनिकेशन हो रही है और किस तरीके के साथ उसको हमने इंश्योर करना. एंटरप्राइज एंड फैक्टर और प्रोसेस एसेट्स हैं. कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी मॉडल मेथड ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं. और इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट का जो भी सिस्टम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क फ्लो का चल रहा है वो इस्तेमाल करेंगे. और देखें ये आ गई है आपके पास क्या चीज, वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट. अब आपने परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग करनी है, मतलब उसकी कंसोलिडेटेड रिपोर्टिंग है. ये क्योंकि आप स्टेक होल्डर से डील कर रहे हैं तो ये आपकी एक तरह से यूं समझ लीजिए कि ये आपकी जो रिपोर्टें लोगों की लिखी जा रही है स्टाफ मेंबर्स की, ये इसके कम्युनिकेशन के थ्रू उनको जा रही है. प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन निकल रही है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट हो रहा है, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस एसेट्स अपडेट हो रहे हैं. यहाँ पर फिर वही बात के टेक्निक्स एंड कंसिडरेशन फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैनेजमेंट इंक्लूड सेंडर रिसीवर मॉडल, वही जो अभी हमने देखा था बेसिक मॉडल, वो सेंडर मॉडल रिसीवर मॉडल एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके अंदर बाकायदा फीडबैक का लूप भी हो टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू इंटरेक्ट विद पार्टिसिपेंट एंड रिमूव एनी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. बहुत जरूरी है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन निकालना, क्योंकि देखें अब मैं जब आपसे बात करता हूं तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि सब लोगों को जगाऊं कि वो लोग कहाँ हैं, बोले कुछ और कुछ सिलसिला इस तरह का हो कि हम इंटरेक्ट कर पाए. क्योंकि अगर तो आप नहीं बोल पा रहे, मुझे क्या पता आप मुझे सुन भी पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे, क्या पता कि आप बैठे भी हैं कि नहीं बैठे, तो ये डिसएडवांटेज तो रहेगा. लेकिन जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो बंदा कभी उठ के चला जाता है, कभी आ जाता है, मौजूद ही नहीं होता या थोड़ी सी देर के लिए, पता लगता है जी एक बंदा आया 3 मिनट टोटल लेक्चर में 3 मिनट की हाजिरी लगा के चला गया और वो ये समझ रहा है कि जी उसकी आज की हाजिरी लग गई. तो वो मैंने पहले भी क्लेरिफाई किया था कि 80% ऑफ द टाइम यू शुड बी प्रेजेंट इन द क्लास, उस क्लास की हाजिरी पूरी करने के लिए. खैर जी एनीवे वो एक चीज हो गई. चॉइस ऑफ मीडिया है जी, सिचुएशन स्पेसिफाइज एज टू व्हेन टू कम्युनिकेट इन रिटन वर्सेस ओरली, व्हेन टू प्रिपेयर एन इनफॉर्मल मेमो versus formal report, and one to communicate face to face versus email.
अब इसमें ये देखिए आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जहां आप ये समझते हैं कि चीजों को इनफॉर्मली भी अकर किया जा सकता है, छोटा प्रोजेक्ट है आपका, उसमें बहुत ज्यादा कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है तो ठीक है ना, चलता है। लेकिन फिर भी इस बात का ख्याल रखें कि लोग इसका फायदा भी बहुत उठाते हैं, अगर जैसे वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है तो लोग उसको मिसयूज करते हैं, मैंने तो नहीं सुना, तुमने कब कहा था, मुझे तो पता ही नहीं है, तो इस तरह का ड्रामा शुरू हो जाता है। तो बेहतर है कि उसको किसी ना किसी तरह ईमेल शीमेल कर दें। अगर आप किसी को, मैं ये समझता हूँ कि ये बेहतर अप्रोच है कि आपको अगर आपका बॉस कोई ऑर्डर देता है, फौरी तौर पे आप उसे ऑब्जेक्ट ना करें, उसे ये ना कहें कि आप मुझे रिटर्न में भेजें। आप ये करें, बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप ये करें कि एक मैसेज अगर ऑफिशियल है, ईमेल ऑफिशियल है, तो ईमेल पे उसको फौरन एक ईमेल उसी वक्त लिखें, उसे कहें सर आज आपसे बात हुई, बहुत खुशी हुई, आपने ये हुक्म दिया, मैं इसको इसके ऊपर आपके हुक्म के ऐन मुताबिक अमल पैरा होने लगा हूँ, और उसमें पूरा रेफरेंस उसका लिख देंगे किस वक्त कितने बज के कितने मिनट पे किस सिचुएशन में और किसके सामने साहब ने यह बात कही थी। अब ये साहब मुकर नहीं सकते, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन गया है। अगर आपके यहाँ ईमेल ऑफिशियल नहीं है तो लेटर में लिख के दे दें, उसके बाद वो बाउंड हो जाएगा, जब वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएगा तो उसके बाद वो बाउंड हो जाएगा, भले उसने हुक्म लिख के दिया था या नहीं दिया था। अब ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये इसने सही कहा है या गलत कहा है। ये अपनी प्रोटेक्शन जरूर बिल्ड करनी है, खासतौर पर जब वेन यू आर लिविंग इन अ वेरी करप्टेड सोसाइटी, वहां पर इस तरह का कंट्रोल आपको अपने साथ रखना पड़ेगा। मीटिंग मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं जी, वो तो मेरा ख्याल है कि आप सबको पता ही है, लेकिन उसके बावजूद मीटिंग्स प्रॉपरली मैनेज नहीं होती। एजेंडा देखें, सबको पता है, कौन नहीं जानता कि एजेंडा होना चाहिए, कौन नहीं जानता कि मिनट्स और मीटिंग बनते हैं, कौन नहीं जानता कि मीटिंग कैसे कंडक्ट होनी चाहिए, लेकिन यही पढ़े लिखे तरीन लोग इनके साथ कई दफा, मतलब आला तरीन लोग इनके साथ अक्सर मीटिंग्स करने का मौका मिलता है। मीटिंग शुरू हो जाती है, एजेंडा होता कोई नहीं है, चले अगर किसी ने कोई बहुत बड़ा तीर मारा और एजेंडा बना भी दिया बेदिली के साथ, तो उस एजेंडे को फॉलो कोई नहीं कर रहा होता, टाइम मैनेजमेंट कोई नहीं होती, ठीक है जी। तो और सबसे बड़ी बात ये कि डिस्कशनें लंबी लंबी शुरू कर लेते हैं बीच में, ये किसने कंट्रोल करना है, ये फैसिलिटेटर का काम है। जिस वक्त एजेंडा हो उसके अंदर बाकायदा लिखा हो कि जनाब ये फलाना वाला टॉपिक जो है फलाने साहब 2 मिनट में बयान करेंगे, उसके बाद इनका टाइम खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा बंदा, फिर जो भी जिसकी जो की प्लेयर हैं उनसे बात की जाएगी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर में जो क्लेरिफिकेशन है वो ली जाएंगी। वो सेशन भी खुला खाता नहीं होगा, उसमें भी आप ये बताएंगे कि जनाब अगर डिस्कशन ज्यादा लंबी खिंच रही है तो फैसिलिटेटर जो है, जो लीड कर रहा है टीम को, वो उन्हें उसे कहेगा कि भाईजान ये जो आपका टॉपिक है, दिस कंसर्न यू मी एंड वन अदर पर्सन, सो लेट अस टॉक इट आफ्टर द मीटिंग, राइट। सो व्हाई आर वी वेस्टिंग टाइम ऑफ एवरीबॉडी। सो वेरी सिंपली इसको आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, और अल्टीमेटली उनकी जो भी कंक्लूजन हैं, जो भी डिसीजन हुए हैं, उनके मिनट्स बनाएं और वो इशू करें। याद रहे, अच्छा ये हो जाता है, मिनट्स कल बना देंगे जी, व्हाट डू यू मीन बाय कल बना देंगे, इसी वक्त यहीं पे मिनट्स बनाओ और यहीं पे सब लोगों से साइन कराओ, कल ये मुकर जाएंगे कि हमने ये बात सुनी थी या कही थी। यहीं पे कंप्यूटर रखें, इसी के ऊपर इधर ही दौरान मीटिंग ही वो प्रिपेयर हो रहे हो, और एज सून एज मीटिंग खत्म होती है उनके प्रिंट निकाले, सामने रखे, लोगों से साइन करवाए और उनको उनकी कॉपी दे दी, खत्म हो गई बात, यू आर डन। अब अगले हफ्ते जब एजेंडा बनेगा तो वो इस मिनट ऑफ मीटिंग के से आगे बनेगा। अच्छा, अगले हफ्ते जब मीटिंग होती है तो जो बातें पसंद नहीं है ना, उनको एजेंडे से ही निकाल देते हैं। दिस इज वेरी अमेजिंग कि भाई उसमें एक अनरिजॉल्व्ड इशू था पिछली मीटिंग में, वो कहां गया, गायब हो गया बीच में से, एजेंडे से गायब हो गया, क्यों भाई, विद हूज परमिशन, क्योंकि आपने वो काम नहीं किया इसलिए उसे गायब करवा दिया। तो ये जितने पुराने एजेंडा के जो मिनट्स ऑफ मीटिंग के जितने पॉइंट हैं वो एजेंडा पॉइंट बनेंगे और उनको कंफर्म किया जाएगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे और मजीद एजेंडा पॉइंट लोगों से पूछे जाएंगे और अगर कोई होगा वो ऐड किया जाएगा और उसके बाद मीटिंग होगी। खैर जी, तो मीटिंग हमें नहीं कंडक्ट करनी आती, प्रेजेंटेशन की टेक्निक से भी अक्सर अवेयरनेस नहीं है लोगों को, बॉडी लैंग्वेज का कैसे इस्तेमाल करना है, विजुअल एड्स का इफेक्टिव यूज कैसे करना है, बड़ी इसके ऊपर ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी हैं, लोग बड़े पैसे खर्च करके भी ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मसला हल नहीं होता।
मतलब ये है कि आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसी जो प्रेजेंटेशंस होती हैं जिनके अंदर सिर्फ तस्वीरें हों वो आपको बहुत अपील करती हैं, टेक्स्ट हो ही ना, और अगर हो तो एक दो वर्ड से ज्यादा ना हो। तो ये जो जिस तरह की प्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं ना, ये क्लासरूम प्रेजेंटेशन है, इसके अंदर चूंकि आपके साथ मटेरियल शेयर करना होता है, हमने सिर्फ आइडिया कॉइन नहीं करना होता, इसलिए जरूरी है कि फिर वो मैटर भी आपको देना है और वो डिस्कस भी करनी है चीजें सारी। और वरना अगर आप ये बात करें तो एक स्लाइड बनेगी सेंडर रिसीवर मॉडल के ऊपर या फीडबैक लूप के ऊपर, और उसके ऊपर ही डिस्कशन होगी, फिर अगली। तो इस तरह से वो भी तरीका है, लेकिन उसके अंदर फिर आपकी बहुत कम जो कवरेज बहुत कम हो जाती है। इसी तरह मैं वो मास्टर इन लीडरशिप कर रहा था अमेरिका में, और हमारा जो प्रोफेसर था हार्वर्ड का प्रोफेसर था जेरी ब्राइटमैन, तो 3 दिन की ट्रेनिंग हुई, और उस 3 दिन में उसने मेरा नहीं ख्याल कि कोई 2-3 से ज्यादा स्लाइडें दिखाई हूं, और वो भी वो पुराने जमाने का प्रोजेक्टर नहीं होता, उसके ऊपर लगा के उसे दिखाई, और उस 2-3 स्लाइड में से पहली स्लाइड जो थी वो थी उसकी वो आइसबर्ग वाला जो एक बना होता है वो आइस ब्रेकर टाइप, वो उसने वो दिखाई थी एक तस्वीर, और एक आध कोई और कोई इंट्रोडक्शन टाइप की थी, और एक उसने अपनी बेटी जो छोटी बच्ची थी उसकी फोटो, वो जब कभी कोई मतलब मूड लाइट करना होता था वो फोटो ऊपर लगा देता था और कहता था दिस इज माय गर्ल एंड शी इज दिस एंड दैट, और वो ड्रामे श्रामे शुरू करता था, बाकी उसने कोई स्लाइड नहीं दिखाई। और उसके बाद उसने जितनी भी बातें की, मतलब आप यकीन करें कि 2 से 4 पॉइंट नहीं थे उसके पूरे दिन की प्रेजेंटेशन में। तो मैंने उससे पूछा आखिर में जाके, मैंने कहा बात यह है कि यूर वे ऑफ टीचिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, हम तो ठोस ठोस के लोगों को इतना कुछ बता देते हैं और पूरा सिलेबस क्रिएट कर देते हैं, तो तुमने तो कोई 2-4 बातें बताई हैं। उसने कहा मेरी बात सुनो, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, आर यू रियली कॉन्फिडेंट दैट यू हैव फुल कवरेज ऑफ दैट सब्जेक्ट टॉपिक। मैंने कहा बिल्कुल, आई हैव फुली अंडरस्टैंड इट। उसने कहा यस ऑफ कोर्स, दैट इज एग्जैक्टली द पर्पस एंड आई हैव डन माय जॉब, कहानी खत्म। ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड काम करवाते हैं या जो बात करनी है वो डिस्कशन बेस्ड होती है। मतलब आप ये देखिए कि वो क्या करता था कि एक डिस्कशन लॉन्च कर दी, एक बात कह दी, अच्छा तो लीडरशिप को डिफाइन करो, एक ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, वो सारे डिफाइन करते हुए जा रहे हैं। उसकी अच्छी बात मुझे ये लगी, वो कभी किसी को डिफाइन नहीं करता कि नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं होती लीडरशिप, ऐसा उसने कभी किसी को नहीं कहा। वो हर किसी को स्माइल देता था, हर किसी को कहता हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, और जब सारी बातें हो गई तो तब उसने जब समराइज किया तब हमें एहसास हुआ कि हम क्या बातें कर रहे थे, हम तो बिल्कुल ही गलत डायमेंशन के ऊपर जा रहे थे और ये तो इसका मकसद ही नहीं है। मतलब वो खुद ब खुद चीजें ऑटो करेक्ट हो जाती हैं, आपको झाड़ पिलाने की जरूरत नहीं होती। और इसके बाद फिर वो एक्सरसाइजेस थी जिसके हमने बहुत बहुत ज्यादा कुछ सीखा, और बल्कि फिर वो जो कुछ हमने उसके साथ इंटरेक्शन हमारी पूरे साल में 3-4 दफा हम उसका 3-4 दिन के लिए गए थे उधर, तो वहां पर बकायदा वो मैंने उसका एक पूरी एक बुक बनाई जिसने ये एक्सरसाइजेस हमारे साथ किए हैं और ये चीजें हमने इससे सीखी हैं, एंड आई सेंड दैट टू हिम एज वेल, और वो बड़ा खुश हुआ उसके ऊपर। खैर जी एनीवेज, तो ये वो है टेक्निक जो कि मतलब मिसाल के तौर पर फिर वो लिसनिंग की टेक्निक, जैसे हमने लिसन एक्टिवली की बात की, फैसिलिटेशन, कंसेंसस बिल्डिंग, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, ये सब कुछ। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम वो सिस्टम है जो आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में, अदरवाइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट खाली हवाले से बात नहीं कर रहा लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए भी, लेकिन अदरवाइज आपका जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट का जो भी सिस्टम है वो होता है, जिसमें वर्क फ्लो कैसे चलते हैं, रिपोर्टें, कागज, ये वो क्या हिसाब किताब हो रहा है, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए भी यूजफुल होना चाहिए, बल्कि लोग उसे कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो इसमें जनाब हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट भी हो सकती है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मैनेजमेंट भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो कि आजकल वेब इंटरफेसेस पे आ गए, तो ये थोड़ा सा उन सब चीजों को मोबिलाइज कर देते हैं। परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग इज द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग स्टेटस रिपोर्ट्स, प्रोग्रेस मेजरमेंट्स एंड फोरकास्ट। परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग इन्वॉल्व्स द पीरियोडिक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ बेसलाइन वर्सेस एक्चुअल डेटा टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस एज वेल एज टू फोरकास्ट द प्रोजेक्ट रिजल्ट्स। वो जितना भी एनालिसिस हुआ ना, वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट तक जो बात पहुंची थी, ये उसको पकड़ के समराइज कर लेता है। परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग नीड्स टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन
टू एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ ईच ऑडियंस, फिर उसमें से जिस जिसको जो जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो उसको शेयर कर ली जाती है। फॉर्मेट में रेंज फ्रॉम अ सिंपल स्टेटस रिपोर्ट टू मोर इलेबोरेट रिपोर्ट, मतलब वो किसको क्या शक्ल दिखानी है ये वो शक्लें ये बनाता है, और मिसाल के तौर पर किसी को सिर्फ उसकी उस बंदे को अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी है उसको वो दे दें, किसी को कोई और चीज, हर स्टेक होल्डर के हिसाब से ये उसकी करता है। और इसमें मोर इलेबोरेट रिपोर्ट में इंक्लूड एनालिसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट फोरकास्ट, करंट स्टेटस ऑफ रिस्क एंड इश्यूज, वर्किंग वर्क कम्प्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड, डिपेंडिंग अपॉन जिस स्टेक होल्डर को जो रिपोर्ट चाहिए, ये सारी रिपोर्टें सबको नहीं भेजनी, जिसको जो रिपोर्ट चाहिए ये उस वक्त आखिर में शेयर कर देता है। ये जनाब कम्युनिकेशन का काम है। फिर आप आ जाइए कंट्रोल कम्युनिकेशन में, मैनेज के बाद अब पोस्टमार्टम करना है। कंट्रोल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग कम्युनिकेशन थ्रू आउट द एंटायर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल टू इंश्योर द इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ द प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर आर मेट, मतलब कम्युनिकेशन, द इंस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन हैज अकर्ड एंड नाउ यू वांट टू सी हाउ वेल इट डिड इट गो। The key benefit of this process is that it ensures an optimal information flow among all communication participants at any moment in time. इसमें जरा project management plan है, project communication जो occur हुई है, ये plan नहीं लिखा हुआ, ये communication जो occur हुई है, जो what happened, और issue log है, work performance का data execution से आया हमारे पास, process assets हैं, लाजमी बात है ये control है तो ये भी analysis करेगा और analysis करके work performance data को work performance information में convert करेगा। इसके अलावा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल करेगा, एक्सपर्ट जजमेंट करेगा और मीटिंग्स करेगा, और नतीजतन अगर कोई चीज चेंज करनी है तो उसकी चेंज रिक्वेस्ट लॉन्च करेगा और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एसेट्स इसकी रोशनी में अपडेट होते हैं। अच्छा जी, कंट्रोल कम्युनिकेशन में जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ मेरा जो मेन फोकस है वो इसी बात के ऊपर है कि हमने पोस्टमार्टम किया और जो कम्युनिकेशन गलत हुई है उसके इफेक्ट से अगर कोई चीज इधर उधर हुई है तो उसको दुरुस्त कर देना है आपने और जहां कहानी इसकी खत्म हो जाए। ये तो हो गया जी कम्युनिकेशन के हवाले से बातचीत। अब आप मुझे ये बताइए कि मैंने अभी बिल्कुल किसी से कोई बातचीत नहीं की इस दौरान और मैं सीधा खुद ही बोलता रहा हूँ। नाउ इज अ टाइम व्हेन यू कैन स्पीक आउट। चीजें बहुत हैं जो डिस्कस की जाती हैं, कम्युनिकेशन इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। जी जनाब, वो यासर मुनीर फिर गायब हो गए, वो एक दो मिनट के लिए तशरीफ लाते हैं बस। जी जनाब, प्लीज रेज हैंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। कुछ होना चाहिए जी डिस्कशन थोड़ी बहुत, कोई किसी भी टॉपिक के ऊपर ले लें, मीटिंग्स को पकड़ लें, किसी और चीज को पकड़ लें, वी कैन टॉक अबाउट इट। जी जुबैर साहब, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा पिछली स्लाइड से, क्वेश्चन सर मेरा थोड़ा सा पिछली स्लाइड से मुतल्लिक है। जी सर। जब आप फरमा रहे थे कि कम्युनिकेशन जो है वो हमने करनी है तो कितनी इंफॉर्मेशन देनी है, किसको देनी है। हाँ जी सर, इसमें एक अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि जो सीनियर मोस्ट स्टेक होल्डर्स होते हैं या सीनियर मोस्ट बॉस होते हैं जी जी, उनको समटाइम हमने फिल्टर करके इन्फॉर्मेशन देनी होती है, बड़ी ब्रीफ और प्रिसाइज देनी होती है। जी जी, कि उनके पास ना तो इतना टाइम होता है और ना उनके लिए यूजफुल होती है। पर सम टाइम ऐसा होता है कि इस तरह की ब्रीफ इंफॉर्मेशन या प्रिसाइज इंफॉर्मेशन जब हम देते हैं तो कभी लेटर स्टेज के ऊपर जाके कोई सीनियर बॉस या स्टेक होल्डर्स पूछते हैं कि यार ये मुझे बात आपने उस वक्त तो बताई नहीं थी, लेटर स्टेज पे अगर कोई प्रॉब्लम बन जाती है तो बंदा कहता है कि सर अब इस तरह की नीटी ग्रिटी तो आपको बतानी थी भी नहीं, तो फिर प्रॉब्लम बन जाती है जूनियर्स के लिए। तो सर इस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल किया है? सर उसका ये होता है कि उसको रिपोर्ट वही दी जाएगी जो वो चाहता है, लेकिन उसको एक इशू लॉग जरूर जाना चाहिए साथ कि जनाब हमारे आउटस्टैंडिंग ये इश्यूज हैं, जिससे उसको जो भी हॉट आइटम्स होंगे उन्हें पता होगा। वो कभी भी ये नहीं कह सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था, इशू लॉग में लिखा होता है। हाँ जी, आपका मतलब कि फॉर इंफॉर्मेशन जो है वो डिटेल कॉपी भी भेज दी जाए? नहीं नहीं नहीं, डिटेल कॉपी नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि इशू लॉग, मसला वही है ना कि इशू है, इशू का जो लॉग है वो उसको भेज दिया जाए फॉर योर आईज ओनली। तो सर देखिए इशू का लॉग सर अगर देखा जाए तो इस तरह से वो भी फॉर इंफॉर्मेशन ही सर होता है, क्योंकि जो लॉग में चीजें जितने भी इश्यूज या जितने भी हॉट इश्यूज है वो भी जो इनफैक्ट जो उनको सर एड्रेस करना होता है
ये उनको सॉल्व करना है तो वो तो जूनियर्स का काम ही होता है ना, जो सीनियर मोस्ट स्टेक होल्डर जो है वो तो नहीं बताएगा कि हाउ टू डील हाउ टू टैकल विद द इशू, वो तो हमारा ही काम है। बिल्कुल, उसने कुछ नहीं बताना, उसको पता ये होना चाहिए कि इशू किसके घर में है, किस जगह पे पहुंचा हुआ है और किसका एक्शन बनता है। वो पूरा इशू ट्रैक कर सकता है कि इशू कहां से रेट हुआ, फिर कहां गया, उसने क्या किया, उसने क्या किया, अब किसके पास है। तो अब ये मुझे ये कभी भी नहीं ये कह सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था इशू का, सारे इशूज का रजिस्टर आपने उसके साथ शेयर किया हुआ है। और उसका प्रोग्रेटिव है कि वो जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन डिटेल में मांगे आप उसे दे देंगे, हमने कुछ पानी थोड़ी है उससे। लेकिन हम तो उसको प्रोटेक्ट करें ना, कि आपको बिला वजह की इन्फॉर्मेशन देके हम परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन अगर कोई चीज आप जानना चाहते हैं आप बताएं सर, अभी ले आते हैं सर। राइट सर, सर गॉट इट, मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, इधर किसी और का भी हाथ खड़ा हुआ था, प्लीज दोबारा बताएं कौन था जी। वसीम जी, वसीम सर, इनिशियली तो स्टेक होल्डर को जो भी आप इंफॉर्मेशन देंगे उसकी एज पर देयर रिक्वायरमेंट, जब जो जो प्रोजेक्ट हम चलता जाएगा या कंटिन्यू करेंगे तो बीच में जो जो चीजें पॉपअप होती जाएंगी डेफिनेटली आपने वो अपने उनसे शेयर करनी है अपने स्टेक होल्डर के साथ। तो जरूरी नहीं है कि आप इनिशियली जो स्टेक होल्डर को कम्युनिकेट कर रहे हैं या चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन उसमें वो तमाम चीजें कवर हो। विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेनेवर ड्यूरिंग प्रोजेक्ट कोई चीज पॉप अप होती है तो आप फौरन उसको आप इंटीमेट करें कि जी आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर ये चीजें जो है ना ये प्रॉब्लम अभी हमें आ चुकी है और हम इसका ये सॉल्यूशन भी आप उनको सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बतानी आपने उनका सॉल्यूशन भी वायबल सॉल्यूशन भी निकाल के दिया है। बिल्कुल, एक प्रोजेक्ट मैनेजर की मेरे ख्याल में जिम्मेदारी में ये चीज आती है कि अपने स्टेक होल्डर को एक कम्फर्ट जोन में रखे और जो अपने प्रोजेक्ट के बारे में जो भी उसको इंफॉर्मेशन है चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है कोई चीज पॉपअप होती है तो वो उसको जरूर उसको अपडेट करता है। बिल्कुल ऐसी तो ये हमारी कम्युनिकेशन इसी तरह होती है। एग्जैक्टली, देखिए जी कम्युनिकेशन की जो रिपोर्टिंग सिस्टम है ना जो आजकल जो मैंने कहा कि हम ऐप्स के ऊपर चीजें आ गई हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा तरीका ये कर दिया है। उन्होंने जो सबसे ज्यादा जरूरत की चीजें हैं वो तो अपेरेंटली सामने रख दी है, एक डैशबोर्ड बना दिया है। आप उस डैशबोर्ड में जिस चीज को फर्दर एक्सप्लोर करना चाहें आप उसको क्लिक करके अंदर भी जा सकते हैं। ठीक है जी, अपेरेंटली उसका काम जो है फ्रंट स्क्रीन से चल जाएगा और अगर वो किसी चीज के बारे में मजीद जानना चाहता है तो उधर जा सकता है, और नहीं तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर को कह सकता है कि यार मुझे इस बात के बारे में ज्यादा बताओ। यही करता है ना बॉस, नॉर्मली यही काम कर रहा होता है, या कोई स्टेक होल्डर भी, स्टेक होल्डर के हवाले से भी यही बात लागू होती है कि उसे कोई मसला होगा तो वो फिर हमसे हमें ही रेफर करेगा और हमें जो कोई चीज छुपानी तो है कोई नहीं, हम उसे ये बता सकते हैं कि जी हमें आपको ये बात इसलिए नहीं बताई थी कि आपकी नीड नहीं थी, इट वॉज नॉट योर नीड, नाउ इट इज योर नीड, तो हम आपको पेश कर देते हैं, कोई मसला ही नहीं है। देखिए वी हैव टू सर्व देम, ठीक है ना, बी अ सर्वेंट लीडर, तो वो आप देखेंगे कि काफी इंप्रूवमेंट उससे जाहिर होगी। जी जी वसीम बोलिए बोलिए सर। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हर चीज हर इंफॉर्मेशन उससे शेयर नहीं करेंगे, जो हमारे अपने इंटरनल प्रोजेक्ट मैनेजर की अपनी इंटरनल ऐसी चीजें हैं जो कि उसको कन्वे करने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं वो है। उसका अपना इंटरनल एक मसला है वो उसको जरूरत नहीं है। हाँ, जिस पे स्टेक होल्डर डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है उसके ही स्टेक होल्डर का जिसमें वो इन्वॉल्व है वो आपको बताना बहुत जरूरी है, उनको कम्युनिकेट करना और उसका बताना ये बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपने शुरू में जो रिक्वायरमेंट्स गैदर की हैं उसको उसमें यही चीजें तो पकड़नी थी आपने कि किसको कब क्या चाहिए। अगर एक आदमी को एक चीज चाहिए और आपने डिजाइन नहीं की हुई है तो आपका अपना फॉल्ट हुआ ना। जी अर्शद साहब। सर मेरा सवाल इनफैक्ट ये था कि शुरू में स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स भी आपके पास आ गई, कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स भी आपके पास आ गई। जी जी, अभी आप अपना एक दर आपने कंट्रोल भी रखना है, क्या कहते हैं सर, कम्युनिकेशन की आई मीन वेरियस डायमेंशंस के ऊपर आपका काफी सर मतलब वास्ट एक्सपीरियंस है फील्ड में,
स्टेक होल्डर्स भी जाहिर है दे आर ऑल्सो नाइव और वो भी बड़े समझदार होते हैं. तो अगर इफ आई एम अ न्यू प्रोजेक्ट मैनेजर सर, मैं प्रोजेक्ट मेरे पास आ गया, जबकि सर आपके ख्याल में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर को अपने पास रखनी चाहिए और उसका उस कम्युनिकेशन का अननेसेसरीली या आउट ऑफ कंट्रोल या अनकंट्रोल्ड काइंड ऑफ शेयरिंग विद द स्टेक होल्डर थोड़ी सी आई मीन ट्रबलसम हो सकती है ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और उस पे आपको इंसिस्ट करना चाहिए या उसको मैनेज करना चाहिए कि यार ये चीज बार बार ना बताऊं स्टेक होल्डर को, ये मुफ्त की प्रोजेक्ट डिले में भी जाएगा और क्या कहते हैं सरदर्दी भी बढ़ेगी. जी मेरा सर ऐसी एक एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन था आपसे. जी बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसमें मेरा मेरा एजेंडा ये नहीं होता कि मैं उससे कुछ छुपाऊं मेरा ज़ाती फायदे के लिए या प्रोजेक्ट के फायदे के लिए. बुनियादी तौर पर मेरा ये फर्ज बनता है कि वो जो चाहता है मैं उसे दूं. हाँ, जब मैं उसकी रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज कर रहा हूँ तो ये उसको गाइड करना मेरी जिम्मेदारी में आता है कि सर ये आप फजूल की रिपोर्टिंग मत मांगे, इससे आपका भी पैकेज बढ़ेगा और देने वाला भी जो है वो उसको लास्ट प्रायोरिटी पे रखेगा. सो बेटर इट इज कि हम जो वो चाह रहा है वो सब कुछ कवर हो, लेकिन अगर उसमें से कोई चीज गैर जरूरी है तो उसको शुरू में ही रेडिकेट कर दिया जाए और साथ उसे ये बता दिया जाए कि जनाब अगर आपको बीच में कहीं कभी कभार इस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम आपको उस वक्त शेयर भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, और रेडिली अवेलेबल भी कर सकते हैं. अच्छा, मतलब आप जैसे देखते हैं कि फौज में जिस तरह से काम होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर शुड नो एवरीथिंग ऑल द टाइम. उसके बाद वो एट रेडी रेकनर टाइप की या एट अ ग्लांस टाइप की एक चीज होनी चाहिए जिसमें एवरीथिंग एक सुई भी अगर इधर से उधर हिली है उस दिन में उस दिन का 100% फुल रिकॉर्ड हर वक्त प्रोजेक्ट मैनेजर कैरी करते हैं. अच्छा, ये तो हम करते थे पहले डायरियों में, आजकल तो मोबाइल आ गया है और मोबाइल में तो पूरी एप्लीकेशंस बनी हुई हैं, तो और ज्यादा आसान हो गया मिनट्स लेना भी, बात कोई किसी ने कोई बात बताई लिखना भी, तो अब वो चीजें बहुत आसान हो गई हैं, लेकिन उस जमाने में भी हम इन चीजों को कंट्रोल कर लेते थे. मैं आज से 20 साल पहले तक की बात कर रहा हूँ कि उस वक्त भी हम बकायदा ये चीजों को नोट करते थे और सब कुछ करते थे और हर चीज हर इंफॉर्मेशन जो बॉस या कोई स्टेक होल्डर आपसे पूछ सकता था दैट वाज ऑलवेज रेडीली अवेलेबल इन माय डायरी. वहीं से निकाल के ठक उसको कहते थे जिसका ये जवाब है. मतलब यू शुड नेवर एवर से, अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर शुड नेवर एवर से सर चेक करके बताता हूं, ठीक है जी, उसको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम जी. हाँ जी, एनीथिंग एल्स, कोई और पॉइंट किसी का हो तो बता दें, नहीं तो वी कैन क्लोज द डील एंड वी कैन फिनिश दिस सेशन. फिर मेरे साथ आपका एक सेशन होगा अगला कल का स्टेक होल्डर वाला और फिर हम फाइनल पेपर में मिलेंगे इंशाल्लाह. ओके देन, इफ देयर आर नो मोर क्वेश्चंस लेट अस कॉल इट अ डे. थैंक यू वेरी मच स्पेशली जी 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 वसीम साहब बोलिए. सर मैं रिकॉर्डिंग अगर आप ऑफ कर दें, वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट द एंड टर्म एग्जाम. इस चीज में आपसे थोड़ी सी गाइडेंस रिक्वायर्ड है सर. उसमें सर क्या